Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि last episode में Trevor और Franklin ने अपने mastermind plan के साथ हमारे Los Santos के सबसे बड़े घर और सबसे बड़े लग्जरी मेंशन पे कब्जा कर लिया था. उन्होंने सबसे पहले हमारे सभी बॉडीगार्ड्स को मारा और उसी रात को वो हमें भी मारने की प्लानिंग से वहां पर पहुंच गए थे. बट अच्छी बात तो ये है कि हमारे पास थोड़े बहुत वेपन्स थे और उनके सभी गुंडों को मार के मैं वहां से जैसे तैसे बच निकला. बट फिलहाल मैं शायद से अभी भी बिल्कुल सेफ नहीं हूं, क्योंकि हो सकता है ट्रेवर और फ्रैंकलिन मुझे मारने के लिए अभी भी मुझे कहीं ना कहीं पर ढूंढ रहे हो. वो तो सही है कि मैं फटाफट से भाग के इस वाइनवुड हिल्स पे आ गया, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ट्रेवर फ्रैंकलिन को बिल्कुल भी शक होगा कि मैं यहाँ पे भी भाग के आ सकता हूँ. बट फिलहाल अभी दिन का टाइम हो चुका है. रात में तो मैं मस्त छुपा हुआ था क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी. उन्होंने मेरा पीछा करा फिर वो लोग वापस चले गए. बट अभी मैं उनसे बच तो गया हूँ, लेकिन वो लोग मेरे से नहीं बचने वाले, क्योंकि मुझे कुछ भी करके अपना वो घर उन लोगों से वापस लेना ही होगा. उस घर के अंदर मेरा बहुत सारा पैसा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, और साथ ही माइकल की फैमिली को भी ये बात नहीं पता कि वो घर हमारे हाथ से छिन चुका है. बट अच्छी बात तो यह है कि वो लोग उस घर में नहीं है. मुझे कुछ भी करके वो घर वापस चाहिए होगा, और इस काम में एक ही बंदा हमारी मदद कर सकता है और वो है अपना भाई लेस्टर. तो फटाफट से मैं अपने एक सेकंड, पीछे गाड़ी कौन सी खड़ी थी भाई, बड़ी अजीब सी थी. बट हाँ यार, जो भी है, अभी फटाफट से मैं अपनी बाइक को लेकर जाने वाला हूँ सीधा लेस्टर के पास, क्योंकि वही इस काम में मदद कर पाएगा. फटाफट से पहुंचते हैं, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है. लेट्स गो. ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगाता हुआ लेकर लेस्टर के सीक्रेट बेस पे पहुंचने वाला हूं. फिलहाल अपनी बाइक की स्पीड अभी थोड़ी सी कम कर लेते हैं, क्योंकि मैं इस टाइम पर आ चुका हूं सिटी में. यहां पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक होगा और एकदम चुपचाप शांति से चलें तो ही बढ़िया है. खैर वो सब ठीक है, यहाँ पर चारों तरफ इतनी ज्यादा पुलिस क्यों है? सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक चेकिंग चल रही है. तो उसकी गाड़ी रोक रखे यहाँ पर और पूरा टॉर्च मार मार के अंदर का सामान चेक हो रहा है. खैर छोड़ो, मेरे को शहर से तो बाहर जाना नहीं है. ये शायद से जो लोग शहर से बाहर जा रहे हैं ना विदाउट परमिशन, उन लोग की चेकिंग हो रही है. बट एक सेकेंड, यहाँ पर भी पुलिस आई हुई है. वेट 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 वेट, मेरे को लग रहा था सिर्फ शहर के बाहर जाने वालों की चेकिंग हो रही है, बट यहाँ पर तो इधर भी बैरियर्स लगे हुए हैं. क्या ठीक है छोड़ो, यहाँ पर एक मस्त गली है. मैं फटाफट से अपनी बाइक लेकर यहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि देखो सीन क्या है ना, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है. अगर यहाँ पर मैं बैठ के चेकिंग करवाऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए चुपचाप से बाइक लेकर निकलते हैं सीधा. भाई ये तो मेन हाईवे, यहाँ पर भी चेकिंग चल रही है. हेलो, ऐसा क्या हो गया भाई सिटी में जो इतनी ज्यादा मस्त चेकिंग चल रही है और पुलिस ने मेरी गाड़ी देख ली है? कोई नहीं, चेकिंग करवा लेते हैं. मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है इस टाइम. सारे वेपन्स लास्ट टाइम आपको पता ही है ट्रेवर और फ्रैंकलिन के साथ फाइट में यूज हो गए थे. लो सर, कर लो फुल बॉडी चेक. मैं अपना हेलमेट उतार के भी फटाफट से दिखा देता हूँ. ओ वेट भाई, इनको शायद से मेरे से ही दिक्कत है. एक सेकेंड, मेरे पास कोई वेपन नहीं और फटाफट अभी मुझे निकलना होगा, क्योंकि सच्ची में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है. भाई साहब, ये लोग तो मेरे पीछे बहुत ज्यादा बुरी तरह हाथ धोकर पड़ चुके. और एक सेकेंड, ओ भाई वेट, क्या खतरनाक टक्कर मारी है. बट मैं बच गया, सही है, बाइक से नहीं गिरा हूं. पर इनके पास बहुत ज्यादा खतरनाक गाड़ियां हैं जिनकी स्पीड मेरी बाइक से बहुत ज्यादा है. वेट 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 वेट, यहाँ पर एक बहुत मस्त पतली गली है. लेट्स गो. तो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक को लेकर इस पतली सी गली में आ चुका हूँ, और बेचारे पुलिस वाले अपनी गाड़ियां यहाँ पर नहीं ला सकते. फटाफट से अपनी बाइक को यहाँ पर इन सीढ़ियों से उतारता हूँ, और ये बाइक बहुत मस्त है, आराम से उतर भी गई. और आगे का रास्ता मुझे बिल्कुल खाली दिख रहा है. जल्दी से अपनी बाइक को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं. और ये पुलिस वालों को पता था मैं यहाँ पर आने वाला हूँ. तुम्हारी ऐसी की तैसी, इनको सही चकमा देगा अभी मैं जाऊँगा. बट यार कहाँ पर जाऊँगा, पीछे से वो भर भर के गोलियाँ चला रहे हैं. ओह वेट, मैं दोबारा से बहुत बुरी तरह ठुकते हुए बचाओ, मेरा उन्होंने आगे वाला टायर पंचर कर दिया. वेट, अभी यार मुझे कसम से बहुत तेज भागना होगा, ये जगह मस्त है. फटाफट से ना यहाँ से नीचे भागता हूँ. यार एक आध गन मिल जाए ना तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा. पता नहीं यार ये कैसी जगह है, मैं यहाँ पर बहुत टाइम पहले आया था. अंदर शायद से रेस्टोरेंट भी बंद है, तो मैं कहीं पर जाके छुप नहीं सकता. तो भाई कोई गन वगैरह, गन है कोई, चाकू वाकू कुछ भी दे दे भाई. वेट, कुछ भी नहीं है यार इसके पास. बेचारा नॉर्मल सा बिजनेसमैन लग रहा था, खाली पीली मार लग दिया. खैर पुलिस वाले वहाँ पर थे, बट ओ वो आ रहे हैं यहाँ पर भी. वेट वेट वेट, मैंने उसे देख लिया पर पता नहीं उसने मुझे देखा है या फिर नहीं. पुलिस वालों की गाड़ियाँ अभी भी उनको ऊपर नजर आ रही है. किसी एक बंदे की गाड़ी लेकर मुझे यहाँ से निकलना होगा. अब शायद से वो सारे गाड़ी से उतर गए और मेरे को चारों तरफ से घेरने का ट्राई कर रहे हैं. सामने एक मस्त गाड़ी खड़ी है, बट वहां तक पहुंचना थोड़ा बहुत रिस्की है. ओगो, गाड़ी गाड़ी छोड़ो, वहां पर बहुत सारी बाइक है. बस एक बारी में किसी तरीके से वहां तक पहुंच जाऊं, अपना काम हो जाएगा. पुलिस मेरे को बिचारी अंदर ढूंढ रही है, बट मैं वहां से भी बहुत मस्त भाग चुका हूं,
तीन चार बाइक है, पर ये जो बीच वाली बाइक है ये मस्त हायाबूसा है। फटाफट से ना इसको लेकर यहाँ से निकलते हैं, और मैं भी वहां से नहीं जाने वाला, फटाफट यहाँ से ना भी सीधा भागता हूँ। वेल, तो भी मैंने जैसे तैसे करके पुलिस वालों से पीछा छुड़ा लिया है, और साथ ही मैंने अपनी बॉडी गार्ड को भी फोन करके बोल दिया है ताकि वो गाड़ी लेकर मुझे यहाँ पिक करने के लिए आ जाए। फिलहाल ये जगह थोड़ी बहुत अजीब सी है, शायद यहाँ पर पुलिस वाले उतना नहीं आएंगे, बट हाँ जब तक अपना बॉडीगार्ड आ रहा है मैं काम करता हूँ, किसी पतली सी गली में चलकर छुप जाता हूँ। ये जगह थोड़ी बढ़िया सी है, फटाफट से काम करता हूँ, अपनी बाइक को यहीं पर पार्क कर देता हूँ। और वेट, बाइक तो मैंने पार्क कर दिया बट पुलिस के सायरन की आवाज मुझे यहाँ पर भी आ रही है। मेरे हिसाब से गाइस पुलिस हमारा शुरू से ही पीछा कर रही थी, बट अभी शायद से वो लोग यहाँ तक भी पहुंच चुके हैं। मैं काम करता हूँ, फटाफट से ना दीवार टाप के निकल जाता हूँ पीछे वाली गली से कहीं और, बट एक सेकेंड, हो सकता है पुलिस वहां से भी आ जाए। एक बार ही ना मैं यहाँ पर छुप के पता कर लेता हूँ कि आखिरकार पुलिस आ कहाँ से रही है। यहाँ से वेट, पुलिस तो अपनी गाड़ी लेकर इस गली के अंदर ही आ चुकी है भाई। यानी इन्हें अच्छे से मालूम था कि मैं अपनी बाइक लेकर कहां पर आया हूं। वेट यार, ये लोग अब गन्स लेकर इधर उधर ढूंढ रहे हैं शायद से मुझे मारने के लिए, और मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है। मैं चाहूं तो इन दोनों को निपटा दूं, बट उसके लिए मुझे किसी एक बंदे को मार के उसकी गन छीननी होगी। यहां पर एक पुलिस ऑफिसर तो अंदर को चला गया, और दूसरे वाले ने मेरे को लगा उसने मुझे देख लिया है, पर ठीक है शायद से उसने मुझे नहीं देखा है। लेट्स गो, यहां पर आकर खड़ा हो गया, और उसने शायद से उन्हें मेरी बाइक मिल गई है, और उन्होंने आगे फोन करके बता दिया है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को कि मैं यहीं कहीं पर छुपा हूं। अब सारे आएंगे और मुझे चारों तरफ से घेर लेंगे, बट वेट, अपना बॉडी गार्ड गाड़ी लेकर यहां पर आ चुका है, और लेट्स गो। उसने एक पुलिस वाले को निपटा दिया, बट दूसरा वाला अभी भी अंदर है, उसको मारना भी बहुत जरूरी है, उसके पास गन है। भाई उसने इसको डाउन कर दिया, लेकिन मेरे पास ये एक बहुत ज्यादा तगड़ा मौका है इसको मारने का। अब इसके बहुत तेज में मारने वाला, चल तेरी भैंस की टांग, कौन सा लगा इसको स्टन गन करेगा। वेट, इसने मेरे भी मुक्का मार दिया और भाई स्टन भी कर दिया है। यार अभी इसको निपटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन दोनों ही इस टाइम पर डाउन हो चुके हैं। अपना बॉडी गार्ड उठ गया है और उसके गोलियां बजा दिया अच्छे से। लेट्स गो, गंदी तरह मारा गया भाई ये, बट अपना स्टन का जो असर है वो थोड़ी देर तक रहेगा, पर कोई नहीं, इससे हमें कोई ज्यादा मरने वरने नहीं वाले हैं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। लेट्स गो, आई थिंक अभी हमारा जो असर है वो धीरे धीरे उतर रहा है, और उतर गया है। इसके तुम मारोगे मैं, तुम मारोगे। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल मेरे बॉडीगार्ड से बात हो चुकी है, और ये कह रहा है कि इस टाइम पर पूरे शहर में पुलिस हमें ही ढूंढ रही है, क्योंकि आप लोग को याद होगा लास्ट टाइम हमने एक न्यूज रिपोर्टर को किल कर दिया था, और उसके कैमरामैन ने हमारी वीडियो बना ली थी, जो वीडियो इस टाइम पूरे के पूरे शहर में वायरल हो चुकी है, और पूरे शहर में हमारे वॉन्टेड के पोस्टर लग गए हैं। माइकल डिसांटा को पकड़ने वाले को मिलेंगे $1 million। तो देखो गाइस, ये है वो क्लिप जिसमें हमने रिपोर्टर को मारा था, यही क्लिप है जो कि इस टाइम पर पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। हर एक न्यूज चैनल पर हर एक बंदे को ये बात पता चल चुकी है कि माइकल एक क्रिमिनल है, और सारी की सारी पुलिस हमारे पीछे बुरी तरह हाथ धोकर पड़ चुकी है। अब कुछ भी करके हमें इस चीज से छुटकारा पाना ही होगा, जो कि बहुत ज्यादा गलत सीन है। अब लेस्टर के पास जाना सच्ची में बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट इस चीज़ का सॉल्यूशन उसी से मिलने वाला है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये हमारा प्राइवेट फोन लेकर आ चुका है, अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं किसी प्राइवेट जगह पर जहाँ पर हम लोग थोड़ी देर छुप के बैठ सकें, और एक बार ना लेस्टर से कॉल पे ही बात करनी होगी। मैं सोच रहा था जाने से पहले गाड़ी ब्लास्ट कर देते, बट छोड़ो, पुलिस वालों ने अब देख ही लिया है, थोड़ी देर में ढूंढ ही लेंगे। और ये देखो, यहाँ पर एक पोस्टर और लगा हुआ है भाई साहब, भाई बंदा इस टाइम पर हमें ढूंढ रहा होगा। अभी ना मैं फटाफट से अपनी गाड़ी लेकर जाने वाला हूँ सीधा लॉस सैंटोस कस्टम्स पे, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी के सारे शीशे फुल ब्लैक करवाने होंगे, क्योंकि अगर गाड़ी के अंदर मुझे कोई नॉर्मल बंदा भी देख लेगा भाई, वो सीधा पहचान जाएगा और बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हुआ सीधा एलएस कस्टम्स पे लेकर पहुंचने वाला हूं। खैर, अच्छी बात तो ये है कि हमें बीच रास्ते में कहीं पर भी पुलिस नहीं मिली, मतलब अगर दिख जाती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि अपनी गाड़ी की विंडो ऐसी है कोई भी बाहर से माइकल को पहचान लेगा। खैर ठीक है, फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ से राइट मोड़ते हैं, सामने है मॉडिफिकेशन की शॉप, जल्दी से चल के अपनी गाड़ी के सारे शीशे ब्लैक करो। तो बड़ी एक सेकंड, भैंस की, यहाँ से पुलिस कहाँ आ रही है भाई साहब? मतलब पुलिस, अच्छी बात है कि हमारा पीछा नहीं कर रही थी, बट बुरी बात यह है कि पुलिस वाले अभी भी शहर में हमें ढूंढने में लगे हुए हैं भाई। वेट यार, मतलब चौड़े चौड़े रास्तों पे तो चलना छोड़ो, पतली पतली गलियों में भी घूमना इस टाइम पर अपने लिए डेंजर हो चुका है। फटाफट एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी को ना यहाँ सीढ़ियों से उतारता हूँ, और ये आ गया एलएस कस्टम भाई, जल्दी से अंदर चलते हैं वरना बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अंदर मैकेनिक्स तो है ना, लेट्स गो, यहाँ पर काम चल रहा है। और सामने एक बहुत तगड़ी जी वैगन, बाहर मर्सिडीज, क्या हो गया भाई?
लॉस सैंटोस में सबसे महंगी महंगी कार यहाँ सब पे दिखने लग गई है। खैर ठीक है, अभी फटाफट अपनी गाड़ी से उतरते हैं और चलते हैं सीधा मैकेनिक के पास बात करने के लिए कि हमारी गाड़ी की जल्दी से जल्दी सारे शीशे ब्लैक कर दें। वेल, अभी मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि सर आपकी गाड़ी को ठीक करने में लगभग 15-30 मिनट्स लगेंगे क्योंकि अभी ये इस लैम्बोर्गिनी पे काम कर रहा है। बाकी ठीक है, इसने बोला कि आप जल्दी से काम करो, अपनी गाड़ी ले जाकर अंदर वहाँ पेंट रूम में खड़ी कर दो। अगर कोई और मैकेनिक फ्री होता है तो वो जल्दी से इस गाड़ी पे काम कर देगा। बाकी ठीक है, इतना टाइम तो हमारे पास है ही क्योंकि ये जगह थोड़ी बहुत सेफ भी है, हम लोग यहाँ पर अपना आराम से छुप सकते हैं। डन, गाड़ी मैंने लाकर खड़ी कर दिया है और अपना जो बॉडी गार्ड है उसको मैंने लेस्टर को कॉल करने के लिए बोला था तो वो भी अपना जाके उसे कॉल वगैरह कर रहा। बाकी यार इस कार को देखो कितनी मस्त लग रही है। बाय द वे ये मर्सिडीज की G65 AMG है और बहुत ज़्यादा तगड़ी है, किसी माफिया वगैरह की गाड़ी है। और यहाँ पर ये भाई साहब भी कोई खतरनाक गाड़ी को ही रिपेयर करने में लगे हुए हैं यार, बहुत ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ लग रहा है इस गाड़ी का। और फुल अबे क्या कर रहा है ये, पूरा बर्नआउट कर रहा है और मेरे को लग रहा है भाई गाड़ी का टायर ना पूरा ब्लास्ट करके ही मानेगा। खैर ठीक है, पूरी गाड़ी ख़राब कर रहा है, ठीक कर रहा है भाई, नया नया मैकेनिक रखा है। खैर अच्छी बात तो है कि बस ये हमारी गाड़ी रिपेयर नहीं कर रहा, वरना तो कसम से बहुत गंदा ही नुकसान करा देगा। बाकी जो भी हो, गाड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी है। लेट्स गो, अभी अपना जो बॉडी गार्ड है शायद उसकी लेस्टर से बात होगी, एक बार ही आने दो, पता करते हैं आखिरकार क्या लेस्टर कह रहा है, फिर देखते हैं क्या सीन है अपना उसके बाद। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल अपने बॉडी गार्ड की बात लेस्टर से हो चुकी है और लेस्टर हम लोग को बोल रहा है कि हमें कुछ भी करके आज के आज ही लॉस सैंटोस से बाहर निकलना होगा, वरना चारों तरफ पुलिस वाले हमें ढूंढने में लगे हैं और अगर नहीं गए तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी एक सेकेंड, इसको क्या हो गया भाई, अपना गाड़ी वाड़ी का काम हो जाए, हमें यहाँ से निकलना ही है और अच्छा खासा है गाड़ी रिपेयर। अबे क्या पागल है, ये रेंच वेंच कहाँ निकाल रहा है? हेलो, ये भाई पगला गया। एक सेकेंड, मुझे लगता है गाइस इसने हमारे पोस्टर्स देख लिए हैं और ये शायद से हमें पहचान गया है। और मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, मुझे कुछ भी करके इसे ना चुपचाप से यहाँ पर निपटाना होगा वरना भाई ये पूरे में गा देगा। भाई वो एक सेकेंड पागल है, वापस कैसे मार रहे, तेरी भैंस निकल यहाँ से, पागल कहीं का भाई का रखे इसकी भैंस की। ओए गोली को चलाई इसने भाई, बेटा भी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब फटाफट से एक काम करते हैं, यही वाली गाड़ी उठाते हैं और चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। तो अभी अपने पास ना बिल्कुल टाइम नहीं है, ये गाड़ी मस्त सी खड़ी हुई है और उसके शीशे ब्लैक भी हैं। अपना बॉडी गार्ड आकर बैठ चुका है, जल्दी से इस गाड़ी को लेकर भैया शहर से बाहर निकल लेते हैं। बाकी हाँ, दुख इस बात का है कि जिस बंदे की भी कार है ना उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा क्योंकि ये कोई सस्ती कार नहीं है, ये बहुत ज़्यादा महंगी कार है। खैर ठीक है भैया, अभी हमें अपनी जान बचाने। अबे क्या पागल है ये बंदा भाई, ओए अपनी गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ भाई, यानी हम लोग पुलिस वालों को भी खतरनाक टक्करें मार के इस गाड़ी को लेकर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। बहुत मजबूत कार है और इससे हमारा फुल फायदा होने वाला है। लेट्स गो यार, कहीं पर भी चेकिंग हो सकती है, रास्ते देखने और गाड़ी भगानी है। वेल, अभी ना मैं अपनी गाड़ी को बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड में शहर से बाहर लेकर निकलने वाला हूँ। बाय द वे, अभी मुझे दोबारा से एक बार और लेस्टर का कॉल आया था और वो कह रहे हैं कि लॉस सैंटोस से बाहर निकलना इस टाइम पर इम्पॉसिबल है क्योंकि पुलिस ने हर एक हाईवे पे, स्पेशली जो शहर से बाहर जाते हैं उन पे, बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी चेकिंग लगा दी है। बट हमें डरने की बात नहीं है, हमारे पास बहुत खतरनाक कार है, लेफ्ट में पुलिस राइट में पुलिस, बट हम लोग अपनी गाड़ी को बीच में ऑफ रोडिंग कर लेकर जाने वाले हैं। बस लैंडिंग एकदम मस्त वाली हो जाए, जो कि हो गई है। डन भाई, क्या ही खतरनाक जंप मारी है, सामने मस्त हाईवे है, पुलिस वालों ने हमें नहीं देखा। अब जल्दी से इस हाईवे पे अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं और भाग लेते हैं सीधा पलीटो के लिए। लेस्टर ने वहां पर हमारे लिए एक बहुत ही मस्त घर का इंतजाम कर दिया है, बस हमें वहां पर जाकर छुपके रहना है। मतलब वो कह रहे हैं तुम लॉस सैंटोस ना ही आओ तो बेटर है, जब एक आध महीने बाद मामला शांत हो जाएगा उसके बाद हम लोग अपना यहाँ पर आकर आराम से रह सकते हैं, चिल कर सकते हैं, बट अभी के लिए फिलहाल हमारे लिए छुपना ही बेटर। अरे भैंस की लैम्बोर्गिनी कौन लेकर आ गया, ये शायद हमसे रेस लगाना चाह रहा है। आ जा बेटा, वाह भाई कितना घटिया ड्राइवर है, इसकी ऐसी की तैसी, अभी रुक जाओ इसको मैं ओवरटेक करता हूँ। हमारी गाड़ी में V12 इंजन है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट यार वेट उसकी लैम्बो भी कम नहीं है, बहुत तेज भाग रही है। बट कोई नहीं, इसके साथ रेस करते हैं, आराम से ओवरटेक करके प्लेटो भी पहुंच जाएंगे जल्दी जल्दी मस्ती में। बाय बाय ब्रो, आराम से चलाते चलाते आओ अपना, बहुत तेज भाग रही है इस टाइम पर हमारी कार। खैटी का बातें कम करते हैं, चलते हैं प्लेटो। अब मेरे को शायद पुलिस से डरने वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर सीधा प्लेटो बे पहुंच चुके हैं, अपने घर से लॉस सैंटोस से बहुत ज्यादा दूर। बाकी हाँ यार एक चीज है, मैं अपनी गाड़ी को इतनी ज्यादा तेज भगाता हुआ ला रहा हूँ फिर भी यहाँ पर पहुंचते शाम हो ही गई, मतलब इस टाइम पे शाम के 5 बज रहे हैं। बाकी एक चीज देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे प्लेटो का वेदर बहुत ज्यादा मस्त है, मतलब यहाँ पर शायद से सर्दियां हो रखी है जो कि लॉस सैंटोस में नहीं थी। खैर ठीक है यार, यहाँ पर बंदे गाड़ियां बहुत स्लो चला रहे हैं, फटाफट से अपनी गाड़ी को ऐसे लेफ्ट मोड़ते हैं और चलते हैं सीधा प्लेटो में। बाकी एक सेकेंड, यहाँ पर ये मैकडोनल्ड्स भी ओपन हो गया है,
लेट्स गो। अब ये गांव शायद से गांव नहीं रहा, धीरे धीरे शहर बन रहा है। बहुत तेज डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर भी, बहुत सारे नए नए घर बन रहे हैं। मतलब जो पहले कंस्ट्रक्शन चल रही थी वो भी कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सारी नई नई शॉप्स भी ओपन हो चुकी है। लेट्स गो, मजा आने वाला है। लेस्टर ने हमारे घर की लोकेशन मुझे भेज दिया, फटाफट सबसे पहले वहां पर चलते हैं क्योंकि अब एक महीने तक हमें यहीं रहना है। लेस्टर ने बोला है जब तक लॉस सैंटोस का मामला शांत नहीं हो जाता, पुलिस हमें ढूंढना नहीं बंद कर देती, तब तक हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। वागे ठीक है यार, मतलब रह लेंगे कोई नहीं, शहर से आ रहे हैं बट थोड़े टाइम के लिए गांव में रह लेंगे क्योंकि ये अपने लिए सेफ है, शहर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेट्स गो, तो अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलते हैं। और यही है वो घर जो कि लेस्टर ने हमारे लिए पलीटो बे में परचेज करा है। यार कितना छोटा घर है, अपनी गाड़ी भी यहाँ पर सही से पार्क नहीं होने वाली। बट हाँ यार, अभी कुछ कर भी तो नहीं सकते ना, यहीं पर रहना पड़ेगा अगर छुपके रहना है और सेफ रहना है तो। बाकी फटाफट से चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कैसा घर है हमारा ये। वेट, घर तो मेरे को लग रहा शुरू होते ही खत्म हो जाएगा और वही हुआ। यहाँ पर अपना एक प्यारा सा, छोटा तो नहीं यार, बड़ा किचन है। मुझे लग रहा था छोटा किचन होगा बट किचन तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। वॉशिंग एरिया भी यहीं पर है और ये अपना थोड़ा बहुत टीवी देखने की जगह है। वहाँ पे अपना गेस्ट वगैरह आए हैं, बैठ के अपना कुछ खा पी सकते हैं। और ये आई थिंक बेडरूम होना चाहिए। ओ वेट, ये तो एक ही जन का बेडरूम है बट कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे हम दोनों लोग। और ये अपना छोटा सा ओपन बाथरूम, ओके डन। यहाँ पर दरवाजा भी नहीं है ना, दरवाजा लगा देंगे खुलेगा नहीं फिर वो। बाकी ठीक है, एक बार बैक साइड में यहाँ पर छोटा सा गार्डन भी है क्या? वेट, ओ वाओ, छोटा घर है बट हर एक चीज़ है हमारे घर में। बैठने की जगह, बाहर भी बैठ के अपना मस्ती वगैरह कर सकते हैं। खैर ठीक है यार, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे हिसाब से ना, अभी हमें चलना चाहिए सीधा, कुछ कपड़े वगैरह खरीद लेते हैं। यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है, कुछ खा पी लेते हैं। भैया कल से कुछ भी नहीं खाया है और थोड़ा बहुत चिल मारते हैं प्लेटों में कि आखिरकार क्या क्या नई नई चीज़ें ओपन हुआ। आई थिंक मेरे को लग रहा है उधर बार वगैरह भी खुला है और थोड़े बहुत डिस्को एरकेट गेम्स वगैरह भी खुल गए। और एक सेकेंड, अपने बॉडी गार्ड कहाँ पर चला गया? ओह साथ साथ आ रहा है। ठीक है, एक काम करना है, मुझे गाड़ी में पीछे खड़ी कर देता हूँ अकेले जाकर, और फिर देखते हैं यार कैसे कहाँ कहाँ में भी घूम के जाना चाहिए। आखिर यार चोरी की गाड़ी लेकर घूम रहे हैं तो फिर इसको छुपाना तो पड़ेगा ही ना। एक काम करता हूँ, अपने घर के बैक साइड में ना काफी सारी अच्छी खासी जगह है जहाँ पर मैं इस गाड़ी को ले जाके एकदम चुपचाप से खड़ी कर सकता हूँ। मतलब जगह तो बहुत सारी है गाड़ी छुपाने के लिए, बट बाय चांस ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जब हमें भागना पड़ गया तो कहीं दूर नहीं जाएंगे ना, अपने घर के एकदम पीछे ही भाग कर आएंगे और गाड़ी लेकर निकल लेंगे। तो ये जगह ठीक ठाक है, यहाँ पर मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा गाड़ी स्पॉट नहीं होगी। तो फटाफट से यहीं पर उतरते हैं और अभी फिलहाल चलते हैं। अपना बॉडी गार्ड भी यहाँ पर आ चुका है और मैंने इस वाले घर में एक साइकिल खड़ी हुई देखी थी, तो अभी साइकिल ही चलाते हैं। मतलब गाड़ी पूरे शहर में लेकर घूमेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मान लो जिस बंदे की कार है उसने पुलिस वगैरह को बोला हो तो कार तो मिलेगी, साथ के साथ इतने बड़े क्रिमिनल्स भी पकड़े जाएंगे कि यार हमारे साथ साथ बेचारा ये भी परेशान होगा। लेट्स गो, फटाफट से भी साइकिल लेकर निकलते हैं। यहाँ पर आसपास एक आधे स्टोर तो मेरे हिसाब से होंगे ही जहाँ से हम लोग कुछ ढंग के सर्दी वाले कपड़े खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा मैकडी वगैरह भी चलेंगे कुछ खाने पीने के लिए। बट ठीक है, अभी जल्दी से चलते हैं। सामने वाला मेरे को जनरल स्टोर ही लग रहा है। वो तेरी भैंस किसके हाथ पे चोट भी लग गई भाई, ब्लड आ रखा है, पता नहीं क्या सीन है। डन, ये आ गया डिस्काउंट स्टोर। एक काम करता हूँ, साइकिल को अपने आराम से यहीं पर पार्क कर देते हैं। काश ठीक ठाक कपड़े यहाँ पर मिल जाएं, देखते हैं कितना डिफरेंस। इतनी सारी जगह है, इसको यहीं साइकिल खड़ी करनी है। चलो डन, अभी चलते हैं जल्दी से अंदर और कुछ ढंग के बढ़िया से कपड़े परचेस कर लेते हैं जो कि माइकल के ऊपर सूट भी करें और थोड़ा बहुत अपना फेस वगैरह भी हाइड कर दें। और वेट, यहाँ पर ओके स्टोर पे शायद से भी कोई है नहीं या फिर इसी का स्टोर है। डन, बाकी यहाँ पर टी शर्ट्स वगैरह हैं बहुत सारी, इनमें से कुछ देख लेते हैं। ओके, तो भी मैंने इस स्टोर से कुछ बढ़िया बढ़िया कपड़े परचेज कर लिए हैं। लेट्स गो, फटाफट से करते हैं पेमेंट और जल्दी से निकलते हैं सीधा मैकडॉनल्ड्स के लिए कुछ खाने पीने। रेस्टोरेंट का मैसेज आया था, वो कह रहा है कि ज्यादा यार बाहर मत घूमना, जितना हो सकता है उतना घर में ही रहो। बाकी ठीक है, अपने बॉडी गार्ड ने पेमेंट कर दी है। वैसे यार पेमेंट से याद आया, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है इस टाइम पर, ना ही बैंक में ना ही हमारे पास कैश है। क्योंकि जितना भी पैसा था वो सारा का सारा हमारा अपने उस बड़े वाले मेंशन में था जिस पर इस टाइम ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन ने कब्जा कर लिया है। बाकी ठीक है, अंडरवाटर माफिया हमारे पास ही है, अपने बॉडीगार्ड ने उसको ठिकाने लगा दिया है। जरूरत पड़ने पर हम लोग उसका फायदा उठाएंगे। फिलहाल अभी उसको बहुत बुरी तरह पीटा था इसलिए उसे बिल्कुल भी होश नहीं है, डॉक्टर उसका ध्यान रख रहा है। बट ठीक है, जरूरत पड़ने पर उससे हम लोग सारी पूछताछ करेंगे। मतलब यार हमें ना कुछ भी करके अपना पुराना वाला घर वापस लेना ही होगा। बाय द वे एक सेकेंड, ये हमारे बॉडीगार्ड को लगता है कि क्या ये हमसे तेज साइकिल चला सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लेट्स गो, फाइनली हम लोग फुल स्पीड में साइकिल भगाते भगाते पहुंच चुके हैं मैकडॉनल्ड्स पे। ओ भाई क्या कितना हॉर्न मार रहे है, ये कैसा घटिया ड्राइवर है ये। खैर ठीक है, मेरे को लग रहा था छोटा मोटा मैकडी होगा बट यार ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा मस्त पार्किंग वगैरह भी बना रखी है और शायद से कोई मोटोक्रॉस राइडर भी अंदर आया हुआ है तगड़ी गाड़ी लेके। और भाई अंकल जी क्या इसको पीटने का मन कर रहा है, पर छोड़ो
अपना शायद यहाँ पर घूमने फिरने आए हैं। बाकी सामने ग्रीन कलर की मस्त कार खड़ी है और ये कार थोड़ी बहुत मिस्टर बीन की कार जैसी लग रही है बिल्कुल देखने में। बाकी चलो यार अभी फटाफट से चलते हैं मैकडॉनल्ड्स के अंदर और कुछ बढ़िया फूड वगैरह खाकर निकलते हैं सीधा घर के लिए, क्योंकि लेस्टर ने हमें बोला ही है बाहर नहीं घूमना है, मतलब कम से कम घूमना है, ज़्यादा घूमेंगे तो शायद से दिक्कत वगैरह हो जाएगी। और वेट यार ये तो बहुत ज़्यादा सही बना हुआ है, इतना अच्छा लॉस सैंटोस में भी नहीं है इस टाइम पर। यहाँ पर भाई ऑर्डर में एकदम पूरी लाइन लगी पड़ी है, ये अंदर का टॉयलेट वगैरह, ओह लेट्स गो टॉयलेट मिल गया मस्त एकदम। तो फटाफट से थोड़ी देर टॉयलेट करते हैं और फिर चलते हैं कुछ फूड वगैरह खाने। ऑल डन, तो अभी फुल फ्रेश वगैरह हो गए हैं, जल्दी से काम करते हैं, चलते हैं बाहर और कुछ ऑर्डर वगैरह दे के खा पी कर जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। एक सेकेंड, इसने ऑर्डर दे दिया और खुद तो भाई साहब कोल्ड ड्रिंक मंगवा के पीने भी लग गया है। चलो कोई नहीं, मैं चल के टेबल पे बैठता हूँ, ये अपना लेकर आ रहा है, खा पी के निकलेंगे यहाँ से आराम से, फुल चेल मारेंगे थोड़े दिन प्लीटो में। ऑल राइट गाइस, तो भी फिलहाल जल्दी जल्दी में बहुत मस्त खा पी लिया है, खैर अभी फटाफट से निकलते हैं हम लोग मैकडॉनल्ड से, क्योंकि मुझे प्लीटो की सबसे बेस्ट जगह के बारे में पता चला है जहाँ पर जाकर हम लोग फुल चिल वगैरह कर सकते हैं। खैर ठीक है, जल्दी से चलते हैं हम लोग अपने बॉडीगार्ड के साथ। बहुत ज़्यादा तगड़ा रेस्टोरेंट टाइप है जहाँ पर पलीटो क्या लॉस सैंटोस से भी बंदे चिल वगैरह पार्टी वगैरह करने के लिए आते हैं। डन गाइस, तो भी फटाफट से अपनी साइकिल को हम लोग यहाँ से निकालते हैं और जल्दी से लेकर चलते हैं उस जगह पे। मतलब वो जगह भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ये शहर ही इतना बड़ा नहीं है कि कोई भी जगह दूर हो, सब कुछ एकदम आस पास है। और देखो फिर से इसको मस्ती चढ़ गई, फुल स्पीड में भगाता हुआ ले जा रहा साइकिल। बाकी यार जो भी हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फील आ रही है मौसम की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा मस्त मौसम आ रहा है ना। तो सामने पास में ही है वो प्रीमियम रेस्टोरेंट जहाँ पर अभी हम लोग जाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती है। और एक सेकेंड भाई सब ये पागल है यार ये गंजा कसम से, उस टाइम जब हम मैकडॉनल्ड्स गए थे तब भी अपनी गाड़ी बहुत ज़्यादा बुरी तरह भगाता हुआ लाया था और अभी तो कसम से ठोक ही देता। मेरे को लग रहा है सच्ची में इसका कुछ तो दिमाग ख़राब है और शायद से ये भी इस टाइम पे इस बड़े रेस्टोरेंट मोजीतो में ही जाने वाला है। कह रहे रेस्टोरेंट नहीं है ये, थोड़ा सा बार टाइप है। लेट्स गो, चलते हैं अंदर। और ये भाई साहब भी यहीं पर आ गए हैं, ये आज पिटेगा अगर इसने कोई हरकत करी ना, कसम से इसको बहुत ज़्यादा बुरी तरह पीटने वाला हूँ। कह रहे यहाँ पर थोड़ा बहुत ड्रिंक्स वगैरह है और सामने चल रही है बहुत ज़्यादा खतरनाक डीजे। डीजे तो नहीं है, कुछ ऐसे म्यूज़िक वगैरह एंड छोटा मोटा डांस चल रहा है और लोग अपना फुल यहाँ पर इन्जॉय कर रहे हैं। खैर ठीक है, हम भी एक आध सिंपल सी ड्रिंक वगैरह पीते हैं और चलते हैं सीधा घर पर सोने के लिए। और एक सेकेंड भाई, लग रहा है उधर थोड़ी बहुत मार पिटाई हुई, मेरे को ऐसा लग रहा है। और एक सेकेंड भाई, कुछ तो मार पिटाई हो गई है भाई साहब, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही गलत वाली लड़ाई हो गई है और अभी ना इनकी बैंड बजानी पड़ेगी। सब लोग मिलके इसी गंजे को पीट रहे, पर गंजे में बहुत ताकत है मेरे को लग रहा है, दो तीन को तो यहाँ पर निपटाई देगा। और इधर आओ तुम भैंस, ओ तेरी ये पिटा भाई, तेरे को मैं गंजा करके भेजूंगा, तू मारेगा मेरे को, तू मारेगा, तू मारेगा, निकल यहाँ से भाई। गंजा अभी इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, गंजे को तो मेरे को ही मारना पड़ेगा, रखी उसके रख के मारा है मैंने, बाकी इसको अपना बॉडीगार्ड संभालेगा। और अब बोल फालतू, चुपचाप भाई ये पागल है, इसको मारो भाई, कोई क्या हो रहा है, कैसा सवार है यहाँ पर, सब लोग लड़ मर रहे हैं बेमतलब में, चुपचाप एंटर हुए थे, बेमतलब की लड़ाई होगी यार आती। खैर ठीक है, अभी थोड़ा सा एंजॉय करने आए थे, कुछ अलग ही हो गया यहाँ तो। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल यहाँ पर चिल करते करते रात हो चुकी है और बाहर बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है जिस वजह से हम लोग घर नहीं गए। यहाँ पर थोड़ा बहुत डांस वगैरह करा, कुछ लोगों की मार पिटाई करी, बाकी यार ठीक है बहुत ज़्यादा मस्ती हो गई है। ये बारिश पता नहीं कब रुकने वाली है, इसके रुकने का वेट करा तो यहीं पर बैठे बैठे ना सुबह हो जाएगी और हमारा सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। जल्दी से निकलते हैं घर के लिए, ये रही हमारी साइकिल। बट एक सेकेंड, पीछे से बहुत जोरों से ना डॉग्स के भौंकने की आवाज़ आ रही है मुझे, एक मिनट वेट। अबे ये क्या सीन चल रहा है, एक सेकेंड अपनी साइकिल यहाँ पर खड़ी करता हूँ भाई, कुछ लग रहा है बदमाश आ गए हैं लॉस्ट गैंग के भाई, इन्होंने पलीटो में भी ये सब हरकतें करना स्टार्ट कर दी। एक सेकेंड, यहाँ पर दो लोग हैं, उनको मारने के लिए हम दोनों भी हैं, तो दोनों को एक साथ मारेंगे। 3 2 1 लेट्स गो। तुम्हारी भैंस के टाइम बदमाशी करते हो भाई, सही निपटा दी और वो बेचारी डर के बाकी है। और अभी भी हमें यहाँ से निकलना चाहिए, पता चला ये डॉग समय काटने के पीछे पड़ जाए। लेट्स गो, जल्दी से बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं सीधा घर के लिए। एक गन भी मेरे को उनसे मिल गए हैं जो कि हमारे बाद में काम आ सकती है। वैसे मेरे पास एक रिवॉल्वर है जो कि मैं रेगुलरली चलाता हूँ। बाकी यहाँ अपना घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी से गाड़ी निकालते हैं और पहुंचते हैं सीधा घर के लिए। बाय द वे गाइस, पलीटो वे रात के टाइम पे भी बहुत ज्यादा प्यारा लगता है ना, मतलब क्या ही मस्त बारिश हो रही है। और शायद से प्यारा लगने का मेन रीजन ये भी है कि यहाँ पर उतना ज्यादा ट्रैफिक, कोई शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल शांति वाला माहौल है। बट हाँ, कुछ टाइम पर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन जाएगी और ये एरिया भी लॉस सैंटोस जैसा हो जाएगा। खैर छोड़ो वो सब, अभी फटाफट से अपनी साइकिल को यहाँ से लेफ्ट लेकर चलते हैं, क्योंकि हम लोग अपने घर पर पहुँच चुके हैं, बस हमारा एंट्री करने का रास्ता थोड़ा ख़राब है बैक साइड से, मतलब
फ्रंट से एंट्री है पर हम छुप के रह रहे हैं ना, तो इसलिए जितना ज्यादा गलियों में घूमे बंदों से कमी मिले वो बेटर है। ओ भाई साहब, जिस मोहल्ले में हम लोग रहते हैं यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही गलत लेवल शांति हो गई है। लग रहा है सारे के सारे बंदे जाकर सो गए। तेरी भाई साहब ये बंदा पागल है कि इसकी क्या दुश्मनी है हमसे? दुकान में भी इसने हरकत करी थी। तेरी भैंस की डंग, बाहर निकल भैंस के पेटे का गंजा, इधर निकल। अबे भाई बेसबॉल बैट लेकर आया है, तेरी ऐसे की तैसी, इसकी गाड़ी फोड़ दूंगा मैं 2 मिनट के लिए। तनी क्या ही दुश्मनी निकाल रहा है यार हमसे, हमें मारने में लगा हुआ है। जब से देख रहा हूँ तब से हरकतें करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है। बाकी ठीक है, मेरी साइकिल इसने पता नहीं कहाँ पर फेंक दिया भाई, ले जाकर टक्कर मारी थी साइकिल, देखो वो जाके गिरी है भाई। सही है, बच गए, इसकी गाड़ी के नीचे नहीं आए, टक्कर पड़ी तो साइकिल से छूट गए हम लोग, उड़ के गिरे हैं बहुत ज़्यादा बुरी तरह। पर ठीक है भाई, उसको भी हमने ठोक दिया है, ठोकना चाहता नहीं था पर उसकी हरकतें कुछ ऐसी है कि मेरे को हाँ यार ठोकना पड़ा। बाकी ठीक है, अपनी साइकिल अभी यहीं पर खड़ी करते हैं और चलते हैं सीधा सोने के लिए। कसम से यार मूड ख़राब कर दिया इस बंदे ने, पता नहीं पहले मैकडी में इतनी गंदी तरह गाड़ी चलाता हुआ लाया, फिर उसके बाद दूसरी जगह हम गए वहाँ पर भी ऐसे आया, और तीसरी बार तो उसने ला के ठोक ही दिया। पर ठीक है, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, चल के सोते हैं। ओके गाइस, तो लास्ट नाइट मैं अपने रूम में आके सो गया था, फिलहाल अभी मैं सोकर उठ चुका हूँ। बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ये सुबह सुबह हमारे घर के बाहर से इतनी तेज पुलिस के सायरन की आवाज क्यों आ रही है। एक सेकेंड, ठीक है, पुलिस की गाड़ी हमारे घर के बाहर आ गई है। वेट, पुलिस की गाड़ी छोड़ो, पुलिस ही हमारे घर के बाहर आ गई है और वो अपने बॉडी गार्ड से पूछताछ कर रही है। शायद ये हमको ही ढूंढ रहे हैं, उसको अभी तक ज़्यादा लोग जानते नहीं है। और वेट यार, ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। मेरे हिसाब से वो मामला हैंडल कर रहा है, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। पुलिस वालों को खाली पीली मारने मारने के चक्कर में ना और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं काम करता हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ और घर के ना बैक साइड में चल कर देखता हूँ आखिरकार सीन है क्या। भाई साहब क्या खतरनाक आंधी भी चल रही है इस टाइम पर। ये देखो, ये खड़ी वो पुलिस की गाड़ी और ये अपना भाई बोल, एक और ऑफिसर बाहर निकल गया भाई। मुझे लग रहा था बस एक कार आई है, बट यहाँ पर तो बाइक वगैरह सब कुछ आ रखी है। शायद से इन लोग की बात हो गई है और ये जा रहे हैं, पता नहीं और पुलिस बुला रहे हैं चेकिंग के लिए या फिर क्या चल रहा है। आई थिंक ये जा रहे हैं शायद। वेट वेट वेट, थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ, मुझे देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये जा रहे हैं, कार चले जाए प्लीज़। ओके, शायद से अपने बॉडी गार्ड ने सारा मामला हैंडल कर लिया है और अभी हम लोग बिल्कुल सेफ है। थैंक्स गॉड भाई, बच गए। अभी भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा अभी क्या करना चाहिए, मतलब इतना सब कुछ हो जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। पलीटो हमारे लिए सेफ था, सेम लेस्टर ने भी यही कहा था, बट भाई एक दिन भी नहीं हुआ अभी रहते रहते यहाँ पर और आज ही मुझे इतनी ज़्यादा खतरनाक गड़बड़ देखने को मिल गई है। बाकी एक बार इधर देखना वेदर क्या हो रहा है, सामने माउंट श्रीयार्ड देखो भाई, मेरे को लग रहा है उस पर बर्फ पड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। बाकी ठीक है यार, अभी ना एक बारी मेरे को फटाफट से चल के लेस्टर से बात करनी चाहिए, मुझे सच्ची में कुछ भी नहीं समझ आ रहा है अभी यहाँ रुके या ना रुके, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है 1 मिनट इससे बात कर लेते हैं, इससे बात हुई ऐसा सब पता होगा। ऑलराइट गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल अपने बॉडीगार्ड से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर्स ने इससे थोड़ी बहुत बस पूछताछ करी थी जो कल रात को हमारा एक्सीडेंट हुआ था ना उस चीज़ को लेके। बट अभी हम लोग यहाँ पर भी बिल्कुल सेफ नहीं है ऐसा हमें लेस्टर कह रहा है, मतलब इसकी लेस्टर से भी कॉल पे बात हुई है। लेस्टर हमें ये कह रहा है कि पूरे के पूरे प्लीटों में भी कर्फ्यू लगने वाला है कुछ ही देर में, मतलब इसलिए नहीं कि हमने उस न्यूज़ रिपोर्टर को मारा था, बट इसलिए क्योंकि पुलिस को मालूम पड़ चुका है माइकल यहीं कहीं पर छुप कर बैठा है और वो सब कुछ जानते हैं कि हमने इससे पहले भी बहुत सारे क्राइम करे हैं। मतलब अभी कुल मिलाकर लेस्टर ऐसा कहना चाह रहा है कि माइकल का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पुलिस चाहती है कि वो जल्दी से जल्दी मारा जाए क्योंकि वो जो वीडियो है उसको देख के भाई बहुत ज़्यादा गलत सीन हो गया है। अब यार देखो, लेस्टर के पास एक प्लान है हमें बचाने का, अबे आ जा भाई बैठ यार, वैसे ही यहाँ पर भी नहीं रुक सकते, यहाँ से भी अब हमें भागना ही पड़ेगा। बाकी हाँ, लेस्टर कह रहा है कि अब एक मास्टरमाइंड प्लान है जिसके थ्रू हम लोग बच सकते हैं, बट बचने के लिए सबसे पहले हमें इस एरिया से निकलना होगा क्योंकि अगर यहाँ पर एक बार कर्फ्यू लग गया ना तो फिर यहाँ से भागना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेस्टर ने हमारे लिए पलीटो एयरपोर्ट पे एक प्लेन का जुगाड़ करवा दिया है, जल्दी से मैं अपनी गाड़ी लेकर चलता हूँ वहाँ पे, लेकिन वो मालूम नहीं है पलीटो एयरपोर्ट है कहाँ पे। वेट, मेरे को थोड़ा बहुत एड्रेस वगैरह पता करना पड़ेगा यार, पलीटो एयरपोर्ट का मैप भी मेरे को नहीं पता। ओके, तो भी मुझे पलीटो के एयरपोर्ट का रास्ता पता चल गया है। मुझे लग रहा था कि नया नया एयरपोर्ट बना है यहाँ पर आसपास, तो ज़्यादा जगह नहीं है तो थोड़ा बहुत दूर बना होगा, बट ऐसी बात नहीं है, एयरपोर्ट बगल में ही है। बस मुझे अपनी गाड़ी को यहाँ से नीचे बीच पे लेके जाना है। वैसे अभी वो एयरपोर्ट प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बस हाँ एयरलाइन बन गई है तो प्लेन उड़ाए जा सकते हैं, इसीलिए लेस्टर ने हमारे एक ऐसा कार्गो प्लेन मंगवा दिया है जिसमें हम लोग अपनी गाड़ी भी लोड करवा के ले जा सकते हैं लॉस सैंटोस के लिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, फटाफट से चलते हैं वहाँ पे। बाकी एक प्रॉब्लम वाली बात ये लग रही है कि इतना ज़्यादा खराब वेदर है, कुछ भी सही से नज़र नहीं आ रहा है,
पता नहीं यार कैसे उड़ाऊंगा मैं प्लेन, बट ठीक है यार थोड़ा सा तेज भगाएंगे और हाइट ज़्यादा नहीं रखेंगे ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। बाकी ठीक है, हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये देखो यहाँ पर आ गए प्लेटो बे का, लेट्स गो। चलते हैं सीधा अपनी गाड़ी को लेकर एयरपोर्ट पे। यार वेदर कितना ज़्यादा अजीब सा हो रहा है ना, मतलब एक अलग सी आंधी आ रखी है यार इस टाइम पर प्लेटो में, कुछ भी नज़र ही नहीं आ रहा है दूर दूर का। और सामने जो प्लेन है शायद से यही है अपना एयरपोर्ट, मतलब प्लेन यही है और एयरपोर्ट तो हम लोग पहुँच ही चुके हैं। भाई मेरे को एयरलाइन बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, पर ठीक है भैया रास्ता तो खोल दो यार, ये पिटेगा क्या गार्ड पे चलती रही भैंस की ना। गाड़ी इतनी खतरनाक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेट्स गो। दरवाज़ा खुला हुआ है, जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ से एकदम अंदर लेकर चलते हैं और प्लेन में बैठकर निकलते हैं सीधा लॉस सैंटोस के लिए बिना किसी देरी के। ओके तो चलो अभी मस्त एकदम गाड़ी मैंने यहाँ पर लाकर लगा दिया है, अब बस फटाफट से बैठते हैं चलकर प्लेन में और जल्दी से निकलते हैं सीधा लॉस सैंटोस के लिए। प्लेन का ट्रंक भी बंद हो गया है, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं, इतनी ज़्यादा मस्ती मेरी ना है ना, जल्दी जल्दी से वहाँ पर पहुँचना है। लेस्टर एयरपोर्ट पर हमारा वेट कर रहा है और आज ही आज हमें वो काम करना है जिससे हम लोग माइकल को बचा सकते हैं। अब वो प्लान क्या है मुझे नहीं पता, वो लेस्टर हमें वहीं पर चल के बताने वाला है। लेट्स गो, प्लेन फुल रेडी है, कमांड हमें आ चुका है। ऐसे क्या ही कमांड यार, कुछ दिख भी नहीं रहा है आसमान में, पर हम लोग इस प्लेन को उड़ाने वाले हैं। ये एयरलाइन कितनी लंबी है ये भी मुझे आइडिया नहीं है। लेट्स गो, अभी से ही मैं टेक ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि अच्छी खासी स्पीड मैंने पकड़ लिया है। आगे चल के पता चला एयरलाइन खत्म हो जाए फिर हम लोग टेक ऑफ कर रहे हैं तो गड़बड़ी हो जाएगी। और यार बहुत ज़्यादा खतरनाक वेदर हो रखा है प्लेटो में, तो मतलब कुछ भी नहीं नजर आ रहा है यार चारों तरफ लिटरली। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग अपनी प्लेन को लेकर सीधा लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। फटाफट से मैं काम करता हूं, इसके जो व्हील्स हैं उन्हें ऊपर कर लेता हूं क्योंकि सामने एयरलाइन आ गई है और यहीं पर मुझे अपने प्लेन को लैंड करवाना है बहुत ज़्यादा प्यार से। एकदम सेफ लैंडिंग होनी चाहिए क्योंकि ये कार्गो प्लेन है और उसके पीछे हमारी बहुत महंगी कार भी है ना, तो उसका बिल्कुल नुकसान नहीं होना चाहिए। लेट्स गो, एकदम प्यारी लैंडिंग। सबसे लास्ट वाला हैंगर पे लेस्टर हमारा वेट कर रहा है, जल्दी से प्लेन को लेकर वहीं पर चलते हैं, अंदर देखते हैं, उससे बात करते हैं और पता करते हैं क्या प्लान है हमारे लिए। मतलब बहुत ज़्यादा गलत सीन है और सीन से हमें भाई एक ही बंदा हर बार निकाल सकता है और वो है लेस्टर। तो फटाफट से प्लेन को मैं मोड़ लेता हूँ, गलत टर्न नहीं है प्लेन को, कुछ इसी टाइप से एकदम परफेक्ट टर्न किया जाता है। लेट्स गो, मैं फिल एक्सपर्ट हो गया हूँ, चाहे छोटा प्लेन हो चाहे बड़ा प्लेन, एकदम परफेक्ट तरीके से मैं इसे हैंगर में लेकर आ चुका हूँ। डन। ओके तो अभी फिर फटाफट हम लोग अपने कार्गो प्लेन से बाहर निकलते हैं और चलते हैं सीधा लेस्टर के पास उससे बात करने के लिए और ये पता करने के लिए कि आखिरकार वो हमें इस खतरनाक बवाल से कैसे बाहर निकाल सकता है। बाकी यार अपना ट्रंक वगैरह ओपन कर ले, अपना बॉडी गार्ड हमारे लिए गाड़ी लेकर आ जाएगा। और एक बारी लेस्टर को देखो, इसके पास इतना ज़्यादा पैसा है फिर भी ये इतनी ज़्यादा घटिया गाड़ी में घूमता है, मतलब विश्वास ही नहीं होता यार इसके ऊपर। तो बाकी ठीक है यार, चलकर इससे बात करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्या सीन है। गाड़ी ये निकाल कर ले आए, अब बात करते हैं लेस्टर से। ओके गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि ये वाली गाड़ी ये अपने लिए नहीं हमारे लिए लेकर आया, क्योंकि इस टाइम पर सीन कुछ ऐसा है कि अगर माइकल इस ब्लैक वाली कार में घूमेगा तो और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये भी एक चोरी की गाड़ी है और हम लोग ऐसे एक सस्ती सी कार में घूमेंगे तो लोग हमारे ऊपर ज़्यादा शक नहीं करेंगे और चेकिंग वगैरह पर भी हमारी गाड़ी इतनी ज़्यादा नहीं रोकेंगे। बाकी यहाँ लेस्टर ये भी कह रहा है कि हमें बिना मास्क के बिल्कुल भी नहीं घूमना चाहिए क्योंकि अगर पुलिस वगैरह ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। खैर ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं सीधा लेस्टर के सीक्रेट बेस पे। पूरा प्लान ये हमें बीच रास्ते में बताने वाला है और कुछ कुछ चीज़ें कुछ कुछ सामान ऐसा है जो कि हमें जाकर खरीदना ही पड़ेगा। बट ठीक है फिलहाल अभी वेट, मैं थोड़ा सा गलत आ गया, बाहर निकलने का रास्ता यही वाला है तो अपनी गाड़ी को हमें इसी कट से राइट लेना होगा और साथ के साथ अपना बॉडी गार्ड भी चल रहा है ये वाली गाड़ी लेकर, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, इसे ऐसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते यार। मतलब यहाँ पर भी अगर गाड़ी मिल गई तो पुलिस को एक और न्यू क्ल्यू मिल जाएगा कि हम लोग वापस लॉस सैंटोस आ चुके हैं। बाकी गेट ओपन हो चुके हैं, लेट्स गो, फटाफट से निकलते हैं अभी सीधा लेस्टर के सीक्रेट बेस पे पूरा प्लान पता करने के लिए। तो अभी फिलहाल हम लोग फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को इन पतली पतली गलियों से भगाते हुए लेस्टर के सीक्रेट बेस पर पहुंचने वाले हैं। बाय द वे वो सीक्रेट बेस नहीं है, ये लेस्टर का टॉर्चर रूम है जहाँ पर हमें एक बंदे को पकड़ कर लाना है। मतलब ऐसा प्लान के अकॉर्डिंग सीन है, अब वो बंदा कौन है, कहाँ से लाना है, क्यों लाना है, वो अभी हमें आगे चलकर लेस्टर बताने वाला है, मतलब उस टॉर्चर रूम में जाने के बाद, ताकि वो जो प्लान है वो रिवील ना हो जाए। बाकी अपने बॉडी गार्ड भी अपने साथ साथ यहाँ पर आ चुका है, फटाफट से अपनी गाड़ी को यहीं कहीं पर मैं साइड में पार्क कर देता हूँ और चलते हैं सीधा अंदर इस जगह के और देखते हैं कि आखिरकार लेस्टर ने हमें बचाने के लिए क्या प्लान बनाया है। और एक सेकेंड, अपना बॉडी गार्ड ओके, उसने वहाँ पर गाड़ी ले जाके लगा दी ताकि दूर दूर तक सब देख लें, मतलब इतनी सारी छुपाने की जगह है, बट चलो कोई नहीं, अभी चलते हैं नीचे। यहाँ पर हम लोग एक आध बारी पहले भी आए हुए हैं कुछ इसी आने टेढ़े काम को कंप्लीट करने और इस बारी लेकिन काम
कुछ ज्यादा सीरियस है। बात करते हैं लेस्टर से और देखते हैं कि आखिरकार क्या सीन है। वेल, अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर ने हमें बचाने के लिए इस बारी जो मास्टरमाइंड प्लान बनाया है वो अभी तक के सभी प्लान से बहुत ज्यादा डिफरेंट है और बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड प्लान है। मतलब यार देखो, अभी ना सीन कुछ ऐसा है कि पूरे लॉस सैंटोस छोड़ो, पूरे के पूरे सैन एंड्रियास में ही पुलिस हमारे पीछे पड़ गई है माइकल को ढूंढने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पास्ट क्राइम्स भी ऐसे हैं जो कि लिस्टेड हैं, जिस वजह से माइकल को पकड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो लेस्टर कह रहा है अभी सीन ये है कि माइकल को मरना ही पड़ेगा, असलियत में नहीं बट दुनिया के लिए। तो प्लान अभी कुछ ऐसा है कि हम लोग जाने वाले हैं सबसे पहले एक बहुत खतरनाक स्नाइपर खरीदने के लिए, बट उससे भी पहले मुझे जाना होगा एक मास्क खरीदने जिससे कि मैं अपना फेस छुपा पाऊँ। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे उस न्यूज रिपोर्टर को किडनैप करने के लिए जिसने ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग हमारी वायरल करी है। उसी को पकड़कर हम लोग एक ऐसी फेक रिकॉर्डिंग बनाएंगे जिसमें ऐसा दिखेगा कि माइकल मर चुका है, मतलब हम लोग उसमें माइकल को मरा हुआ दिखाएंगे, मरते हुए दिखाएंगे और फिर उसको पूरे न्यूज में चलवा देंगे और फिर उसके बाद पूरी दुनिया को लगेगा माइकल मर चुका है। बट हाँ, उसके बाद एक बैड चीज ये है कि हमें पूरे टाइम छुप के रहना पड़ेगा, मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि माइकल नकली में मरा है। बाकी ठीक है यार, ये प्लान बहुत खतरनाक है पर इसके बाद की जो लाइफ है वो शायद से ज़्यादा खतरनाक है। बट ठीक है यार, माइकल का लेकिन जिंदा रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले छुप के रह ले। फिलहाल अभी चलते हैं सीधा, वैसे तो एक मिनट रुक जाओ, एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा आराम से अपनी गाड़ी को लेकर चलता हूँ, मतलब पुलिस वगैरह को पूरे टाइम देखते हुए चलना है। अपने पास पीछे पीछे ये गाड़ी भी आ रही है, एक बारी चल के मैं मास्क खरीद लूँ उसके बाद मैं इस वाली गाड़ी में घूमने वाला हूँ। वैसे उसके शीशे ब्लैक है बट फिर भी चेकिंग अगर हो गई तो गेट भी ओपन किया जा सकता है उसके बाद, तो इसलिए आराम से चलते हैं सीधा बीच पे जहाँ पर बढ़िया से मैं मास्क ले लूँ। वेल, तो सबसे पहले मैं पहुँचने वाला हूँ सीधा हैटर्स शॉप पे जहाँ से मुझे अपने फेस को कवर करने के लिए एक मास्क परचेज करना है। अभी तक तो मुझे बीच रास्ते में कोई भी पुलिस नहीं मिली, आगे का क्या सीन है वो वहीं चलकर पता चलेगा। फटाफट मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से मोड़ता हूँ लेफ्ट और ये आ गया अपना वेस्पसी बीच, यहीं पर है वो हैट का शॉप जहाँ पर मुझे हर टाइप का मास्क मिल जाएगा। अपनी ये वाली गाड़ी तो अंदर आ गई बट ये वाली गाड़ी को वहीं रुकना पड़ेगा। खैर ठीक है, फटाफट से यहीं पर अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और ये जो ऊपर मास्क बना हुआ है ना स्पेस मंकी का, मैं यही वाला मास्क परचेज करने वाला हूँ क्योंकि माइकल पे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। हाय, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं वैसे, बट ये जो सबसे ऊपर वाला मास्क है ना यही अभी मैं परचेज करने वाला हूँ। लेट्स गो, इसी को खरीदते हैं और चलते हैं। ओके डन, तो अभी मैंने अपने लिए एक मस्त मास्क परचेज कर लिया है। अब फटाफट से बिना किसी देरी के हम लोग निकलते हैं सीधा लॉस सैंटोस की एम्युनिशन शॉप पे जहाँ से हमें खरीदनी होगी एक बहुत खतरनाक सप्रेस्ड स्नाइपर, क्योंकि जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं ना रिपोर्टर को किडनैप करने के लिए विजन न्यूज की मेन बिल्डिंग पे, वो लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी प्रेस है, तो वहाँ पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि सिक्योरिटी ना हो। लेस्टर के अकॉर्डिंग वहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है जितनी कि पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं है, तो फिर हमें भैया बहुत ज़्यादा ही सोच समझ के और साइलेंटली उस बंदे को पकड़ कर लाना होगा, क्योंकि हमें वापस भी तो लेकर जाना है ना उसे सही सलामत। पूरी फेक रिकॉर्डिंग बनाने के बाद जो न्यूज़ है वो वहीं से लाइव होने वाली है, तो फिर एक एम्युनिशन शॉप ढूंढते हैं जल्दी से बिना किसी देरी के वेपन खरीदने के लिए। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा एम्युनिशन की शॉप पे, तो फटाफट से अपनी गाड़ी को आगे वाले घर से प्यारी सी ड्रिफ्ट मार के राइट मोड़ लेते हैं। और एक सेकेंड भाई, हेलो भाई साहब, कितनी ज्यादा खतरनाक और कितनी लंबी ड्रिफ्ट लगी है, लेकिन ये गाड़ी रुकने का नाम ले रही थी बिल्कुल, बट यार फाइनली बच गए, गाड़ी मजबूत है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसीलिए मैं इसे एकदम खुला फुल स्पीड में भगा रहा हूँ। बाकी हाँ, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एम्युनिशन की शॉप पे, फटाफट से पार्किंग में चल के अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क करते हैं और एक खतरनाक स्नाइपर खरीद कर फटाफट से हमें निकलना होगा सीधा विजिल न्यूज के लिए। चेक करते हैं कि दुकान, ओ वेट, बहुत टाइम पहले दुकान बंद हो गई थी बट अभी लॉस सैंटोस में वापस ओपन हो चुका है। व्हाट्सअप, अब फटाफट से स्नाइपर परचेज कर लेते हैं। वो देखो, वो स्नाइपर जो पीछे लगी हुई है ना वही हमें चाहिए। और इन भाई साहब ने एक सेकेंड हमारे लिए पहले से ये स्नाइपर निकाल रखी है, शायद लेस्टर ने इसे कॉल करके बता दिया होगा। ऑल डन, तो अभी मैंने इससे ये स्नाइपर का केस ले लिया है विद ऑल अटैचमेंट्स। बाकी हाँ, इसको लेस्टर ने ही बोला था ये केस हमें देने के लिए, इसलिए इसने पहले से इस गन को हमारे लिए बाहर निकाल के रखा हुआ था। अब बाकी इसने हमसे पैसे वगैरह नहीं लिए हैं, शायद से लेस्टर का दोस्त है या फिर इसकी कुछ बातचीत है लेस्टर के साथ। बाकी हाँ ठीक है, अभी फटाफट से चल के इसे अपनी गाड़ी के ट्रंक में रख देते हैं, फिर चलते हैं सीधा विजन न्यूज के लिए। ओके डन, तो अभी मैंने अपने स्नाइपर के सिक्योरिटी केस को अपनी गाड़ी के अंदर
रख दिया है। अब फटाफट से चल के बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं सीधा विजन न्यूज के लिए जल्दी से जल्दी। और भाई कुछ भी हो जाए आज तो भाई ये मिशन मुझे करके ही निकलना है, वरना भाई अपनी ही जान रिस्क में है। लेट्स गो, सामने ये विजन न्यूज, ज्यादा देर नहीं लगेगी, फटाफट से पहुंचते हैं। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ सीधा विजन न्यूज पे। बाकी यार अब देखना ये होगा कि आखिरकार यहाँ का माहौल कैसा है। वैसे अगर देखा जाए तो बिल्डिंग के बाहर 3-4 लोग ही खड़े हैं, मुझे लग रहा था पूरी भीड़ लगी होगी। यार न्यूज़ रिपोर्टिंग की सबसे बड़ी कंपनी है, और सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर कोई ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी नज़र नहीं आ रहे। बट हाँ, अभी भी मैं बिल्डिंग के अंदर डायरेक्ट नहीं घुस सकता, क्योंकि जैसा कि लेस्टर ने बताया था यहाँ पर बहुत सारे CCTV कैमराज हैं। मुझे अंदर घुसने से पहले उन सभी CCTV कैमरा को तोड़ना होगा। तो सामने ये मस्त कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पर चलते हैं एकदम टॉप फ्लोर पे। बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू तो आएगा ही, बट साथ के साथ जो कैमराज इस बिल्डिंग में लगे हैं वो भी हमें नहीं देख पाएंगे। मेरे पास स्नाइपर है, उसका फ़ायदा तो उठाना ही होगा ना। लेट्स गो, चलते हैं जल्दी से बिल्डिंग के अंदर। इसका ऊपर जाने का रास्ता बस मुझे नहीं पता। एक सेकेंड, शायद से हम लोग गलत आ गए। वेट, जहाँ से हमने अपनी गाड़ी ऊपर चढ़ाई है वहीं से ऊपर जाने का रास्ता है, पर रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब पतला रास्ता है। बना तो गाड़ी चढ़ाने के लिए है पर पतला रास्ता, बट कोई नहीं, हमारी ड्राइविंग अच्छी है और गाड़ी भी बहुत अच्छी है। तो मैं एकदम मस्त तरीके से गाड़ी को टायर को पूरा स्लिप करा के लेकर जाने वाला हूँ, फुल ड्रिफ्ट करा देंगे भाई, क्या बर्नआउट हो रहा है। लेट्स गो, जल्दी से गाड़ी लेकर चलते हैं ऊपर। वेट, मैं काम करता हूँ ना, सामने एक बिल्डिंग और है और शायद से उसमें जाने का रास्ता भी इस वाली बिल्डिंग से हमें मिल जाएगा। लेट्स गो, जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं। और वेट यार, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर इतना ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है और इतने ज़्यादा अजीब रास्ते हैं ना, मतलब रास्ते तो नहीं है, कंस्ट्रक्शन साइट है, सीधी सी बात है, छोटी मोटी गड़बड़ हुई सीधा हमारी गाड़ी नीचे जाएगी और खतरनाक ही नुकसान हो जाएगा हमारा भी। ठीक है, लेट्स गो, यहाँ से भी गाड़ी लेकर चलते हैं ऊपर। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं इस टाइम पे इस बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे, बट मुझे जाना है सीधा छत पे। वेट, यहाँ से रास्ता है पर थोड़ा बहुत सामान है, गाड़ी पे डेंट आ जाएगा यार, पर कोई नहीं, थोड़ा आराम से निकालूंगा भाई, फुल प्रोफेशनल ड्राइविंग भाई, कहीं कोई नुकसान नहीं। लेट्स गो, फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ छत पे। बस यहाँ से अब मुझे राइट मोड़ना है और अपना काम हो जाएगा। अब स्नाइपर निकालते हैं और ठोक देते हैं भाई विजन न्यूज। ओ वेट वेट वेट, आराम से, अरे मुझे लगा भाई यहाँ पर कुछ है ही नहीं, लटक गई थी अपनी गाड़ी अभी अचानक से। ठीक है, पहुँच चुके हैं और क्या ही मस्त व्यू आ रहा है ऊपर से। डन, एक बार चल के देखते हैं सामने का क्या हिसाब है, बट उससे पहले मैं अपनी स्नाइपर बाहर निकाल लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी के ट्रंक से ये सप्रेस्ड स्नाइपर राइफल निकाल लिया है, जिसके अंदर एडवांस स्कोप भी लगा हुआ है। बट हाँ, इस स्नाइपर को भी अंदर रखते हैं। पहले मुझे देखना ये होगा कि आखिरकार विजन न्यूज का हिसाब क्या है, मतलब इस बिल्डिंग में कहाँ कहाँ पर बॉडी गार्ड्स लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर कैमराज हैं, कहाँ कहाँ गोली चलानी है, कहाँ कहाँ नहीं चलानी चाहिए, सब कुछ मुझे देखना होगा। तो उसके लिए एक काम करता हूँ, मैं अपने बिनाकुलर्स निकाल लेता हूँ और देखते हैं आखिरकार यहाँ का सीन है क्या। बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है जहां पर एक बंदा है, मतलब ये सिंगल है क्या बस। ओ वेट, इसको मैं इजीली डाउन कर सकता हूं, इस बेचारे के पास आसपास कैमरा भी नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। और दो कैमरा यहां पर लगे हुए हैं, ठीक है, इन दोनों को फोड़ने से पहले मुझे यहाँ के बंदों को डाउन करना होगा। एक बंदा इधर वाले गेट पे है, यानी यहां से अपनी एंट्री हो सकती है, मैं दीवार टाप के भी अंदर जा सकता हूं। और एक भाई साहब जी यहां पर है, ठीक है, तो इसको भी मैं इजीली टेक डाउन कर सकता हूँ। बाकी तो मुझे कुछ मामला फुल इजी लग रहा है। और एक सेकंड, यहाँ पर एक वैन आ रही है और ये वैन विजन न्यूज़ का ही है, ठीक है, ये शायद से यहीं पर पार्क होने के लिए आई है, मतलब थोड़ा बहुत ध्यान रखेगा, ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बंदे आते जाते रहते हैं, तो सारा का सारा सीन है। वैसे ये कोई नॉर्मली बंदा है शायद विजन न्यूज़ का, ये वो रिपोर्टर नहीं है, वरना इसको यहीं से बाहर से पकड़ लेते यार, बहुत ईजी हो जाता अपना काम। एक गाड़ी और आ गई भाई, ये बहुत ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही आना जाना है। वैसे ठीक है, दो गार्ड बैक साइड पे भी हैं, एक ये रहा और एक वो रहा, और सारे के सारे कैमराज, ठीक है, बातें कम करते हैं, इन सभी को भी फटाफट से निपटाते हैं। लेट्स गो भाई, मामला जितना इजी मैं समझ रहा था ना फ्रंट से विजन न्यूज़ को देख के, असलियत में उतना ईजी है नहीं। स्टार्ट करते हैं स्टॉप वाले बंदे से, ये जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, इस बेचारे के सर पे ही मैं खतरनाक शॉट देने वाला हूँ अपनी स्नाइपर का, और इसको मैंने कर दिया है बहुत इजीली डाउन। हेलीकॉप्टर लेकर भी हम लोग भाग सकते हैं, बट ये बेकार आइडिया यार, वो लोग ट्रेस कर लेंगे हमें। ठीक है, यहाँ पर एक बंदा और है, तो इसके भी मैंने एकदम मस्त तरीके से शॉट बजा दिया है, दो लोग मैंने इजीली डाउन कर दिए हैं। ये थर्ड वाला है, फटाफट से इसको भी डाउन करते हैं। और अभी मैं यहाँ पर दो CCTV कैमराज डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, एक ये वाला, नहीं ऊपर वाला, अभी नहीं ऊपर वाला, अगर मैंने करा तो शायद से आवाज़ आएगी और इनको पता चल जाएगा। तो पहले ये वाला CCTV कैमरा आराम से डिस्ट्रॉय करते हैं भाई। सप्रेसर लगने की वजह से ज़्यादा स्नाइपर आवाज़ नहीं कर रही है,
और बाकी लोगों को कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये दो लोग बचे हैं बट इनको अभी नहीं मारना मुझे, पहले सारे के सारे सीसीटीवी ही उड़ा देते हैं, नहीं पता चलेगा। तो बस एक चोट मारना है, इसमें से चिंगारी निकल गई, इसका मतलब ये खराब हो चुका है। यहाँ पर एक दो कैमराज और हैं, फटाफट से इन्हें भी निपटाना है, ठीक है। तो इस वाले कैमरे को भी मैं फटाफट से उड़ा देता हूँ। एंड यहाँ पर बस एक कैमरा और बचा है जिसपे मैंने एक और बारी बुलेट मार के इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। बैक साइड में सारी की सारी लाइट्स हैं, कैमराज नहीं है, तो इनको भी निपटाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स गो, इसको मैंने मार दिया। यहाँ पर एक बंदा और है, इसको भी मैंने निपटा दिया। और वेट, यहाँ पर एक और गार्ड भागता हुआ है, वो शायद से इसने में देख लिया क्या, यहीं कहीं पर देख रहा, पर इसे मालूम नहीं आ रहा। अरे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वेट, इसने आर्मर पहना हुआ है क्या, रुको, एक रख के शॉट इसके हेड पे मारना पड़ेगा। और इसको भी हमने यहाँ पर ढेर कर दिया है। अब अपने लिए विजल न्यूज की एंट्री बहुत ज्यादा ईजी हो चुकी है। लेट्स गो, जो काम हम लोग यहाँ पर करने आए थे कुछ ज्यादा ही ईजिली निपटा दिया है। बस विजन न्यूज के लिए भी मेरे को वेस बदलना पड़ेगा, मैं ऐसे ये बंदर वाला मास्क लगा के शायद अंदर ना जा पाऊँ। बट यार कोशिश करते हैं यार, किसी न किसी तरीके से तो करेंगे, वरना अपने बॉडी गार्ड को भेजेंगे यार, इसके कपड़े चेंज करा देंगे, इसकी शक्ल अभी कोई नहीं जानता है। लेट्स गो, फिलहाल मैं अपनी गाड़ी यहाँ से क्यों नहीं चले जा रहा हूँ, यहाँ पर शायद से कोई ना कोई और रास्ता। वेट, ये वाले रास्ते जहाँ से हम लोग ऊपर आए हैं शायद यहीं से नीचे जाने का रास्ता होगा। वैसे अगर मैं गाड़ी नीचे भी कूदा दूँ तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, गाड़ी बहुत मजबूत है, बट फिर भी यार थोड़ा बहुत भी डैमेज इस गाड़ी पे पड़े तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए प्यार से ही नीचे लेकर चलते हैं। ओके, तो फाइनली मैं अब अपनी गाड़ी लेकर नीचे आ चुका हूँ आराम से। अरे यार ट्रक किसने लाकर खड़ा कर दिया है, चलो कोई नहीं, थोड़ी सी जगह छोड़ी है भाई साहब जी ने हमारी गाड़ी निकालने के लिए, वरना तो आज मैं इसका ट्रक ही ब्लास्ट कर डालता। वैसे हाँ यार, गाड़ी को अगर मैं अंदर लेकर ना ही जाऊँ तो शायद से ज्यादा बेटर है। गाड़ी नहीं 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 वो तेरी भाई, क्या मस्त इन्होंने खुद ही जगह बना रखी है गाड़ी छुपाने के लिए। यहीं पर अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं और आराम से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर छुपा के लगा देता हूँ, किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला। लेट्स गो गाइस, तो अभी फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और चलते हैं सीधा विजन न्यूज बिल्डिंग के अंदर उस कैमरामैन को किडनैप करने के लिए। बट यार वेट, अंदर जाने से पहले ना मुझे एक चीज का और जुगाड़ करना होगा, मैं इस मास्क को पहन के अंदर नहीं जा सकता, वरना लोग मेरे ऊपर उल्टा ज्यादा शक करेंगे यार कि ये माइकल हो सकता है। बाय द वे, यहाँ पर जितनी भी बॉडीज हैं ना, इन सब का भी ठिकाना लगाना पड़ेगा, जो कि काम अपना बॉडी गार्ड ईजिली कर देगा। वहाँ पर राइट साइड में एक डस्टबिन है, इनको वहीं पैक कराना है। देखो जाना तो हमें इस बिल्डिंग के अंदर है, रास्ता सामने, रास्ते के सामने सीसीटीवी कैमरा भी है, इसका व्यू अभी नहीं आ रहा था, और अगर इसे नोटिस नहीं करा होता तो शायद ये कैमरामैन हमें दिक्कत दे जाता। लेट्स गो, तो मैंने कैमरा को खराब कर दिया है, और अभी मैं अंदर जाऊंगा तो शायद दिक्कत होगी। यहाँ पर ना एक गैराज है, अगर इस गैराज के अंदर मुझे एक भी मैकेनिक दिख गया ना तो मैं उसका आईडी कार्ड ले सकता हूँ, और साथ में उसके कुछ कपड़े वगैरह लेकर हम लोग इजीली अंदर जा सकते हैं। ओके, तो अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं इस रूम के अंदर। और एक सेकेंड यार, अपनी किस्मत हमेशा की तरह इस बार भी खराब है, लिटरली इस पूरे के पूरे एरिया में एक बंदा भी नहीं है। सामने शायद से गैराज है, एक बारी यहाँ पर चलकर देखता हूँ, यहाँ एक वैन तो खड़ी है। और वेट, यहाँ पर एक बंदा और है जो कि अपनी वैन को साफ कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसको चुपचाप से मार के इसके ड्रेस वगैरह ले लूँ, तो शायद से मैं विजन ले उसके अंदर एंटर कर सकता हूँ। अब इसने आ तो मुझे देखा नहीं, या फिर इसको लग रहा है कि इसका कोई अपना ही बंदा यहाँ पर आया। लेट्स गो, मैंने आकर कवर ले लिया। और वेट, इसने मुझे देख लिया क्या, अच्छा खासा वैन साफ कर रहा था, अभी पता नहीं ये कहाँ जा रहा है। शायद से इसने वैन साफ करते इसका काम खत्म हो गया। और ये लो भाई, ये भाई साहब जी गए हैं टॉयलेट करने, शायद से वो टॉयलेट ही है। लेट्स गो, बस टॉयलेट के अंदर कोई ना हो तो मैं इसका काम निपटा सकता हूँ। भाई चुपचाप से, कोई भी नहीं है भाई, सारे रूम बंद है, तेरी निकल यहाँ से भाई। बहुत ज़्यादा पूरी तरह मैंने इसको मार दिया है, और अभी मेरे को इसकी ड्रेस लेनी है और अपना काम हो जाएगा। आईडी कार्ड वगैरह की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आईडी उसमें लगी हुई है। लेट्स गो गाइस, तो अभी फटाफट से मैंने अपने कपड़े बदल लिए हैं, और साथ ही एक बहुत ज्यादा तगड़ा मास्क भी अपने फेस पर लगा लिया है। और एक बार इस बंदे को देखो, बेचारे को इसी बाथरूम में हमने फेंक दिया है। खैर ठीक है, इसकी बॉडी अपना बॉडी गार्ड सेट कर देगा, मतलब किसी को मिलनी नहीं चाहिए ना। बाकी हाँ, इस मास्क से अपना पूरा फेस तो कवर नहीं हो रहा है, बट इतना है कि सिर्फ आईज ही दिख रही है, तो शायद आईज देखकर हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। अब जल्दी से बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं बिल्डिंग के अंदर। बट यार सोचने वाली बात यह भी है कि आखिरकार इतनी बड़ी बिल्डिंग में हम लोग उस कैमरामैन को कहां पर ढूंढेंगे जिसने हमारी वीडियो लीक करी। और एक सेकेंड, मैं सोच रहा था कि यहां पर अभी और बॉडीगार्ड नहीं होंगे, क्योंकि कितनों को तो मैं मार चुका हूं, लेकिन एक बाउंसर यहां पर और निकल कर आ गया है।
ये अंदर नहीं जाने देगा, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैं तेरी भैंस के पीछे हट बे, इधर आ जा इधर आ जा, वरना वहां पर अगर और लोगों ने देख लिया तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओ भाई ये तो फुल ट्रेंड है इसकी भैंस की, ये बेटा मेरे से रुक जाओ, ये निकाली गन, इधर आइए जरा, निकल यहाँ से, इसको सेट कर दे भाई। अब मैं फटाफट से चलता हूँ अंदर बिना किसी देरी के, रुक जाओ, आराम से सीधे होकर चलना भाई, अंदर कितनी ज्यादा भीड़ है यार, सोच समझ के जाना पड़ेगा अंदर, वरना अलग ही गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और कुछ कुछ बॉडी गार्ड्स वगैरह भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। आखिर यार लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा प्रेस बिल्डिंग है, तो कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा। और ये कौन से, ओ वेट, मैं इस टाइम पर शायद से टॉयलेट में आ गया हूँ और यहीं पर मुझे अपने, ओ एक सेकेंड, ये तो फीमेल वाला है, यहाँ पर चलकर देखता हूँ एक बारी, ये मेल टॉयलेट है। यहाँ पर तो खैर वो कैमरामैन नहीं है, अगर यहाँ से मिल जाता तो अपना काम यार इजीली हो जाता। शक्ल दिखाइए, नहीं यार ये वो नहीं है, मेरे को उसकी शक्ल अच्छे से याद है, ऐसे नहीं भूल सकता भाई मैं उसको। ये वाले रूम में यहाँ पर अपने काम का सामान है, इसको उठा लेते हैं ताकि मैं हर जगह जा पाऊँ। डन गाइस, तो अभी फटाफट से मैंने अपने लिए ये मॉप एंड बकेट ले लिया है और मेरे हिसाब से अब तो मुझे कोई भी बिल्कुल नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि इस टाइम पे माइकल की फुल जेनेटर वाली लुक हो गई है। लेट्स गो, फटाफट हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और चलते हैं विजन न्यूज़ की साफ सफाई करने के बहाने उस बंदे को ढूंढने के लिए। और एक, अरे एक सेकेंड, ये बंदे को क्या मस्ती चढ़ी हुई है भाई, अलग ही छपरी है, मतलब ऐसा मुक्का दिखा के जा रहा, तू बड़ा बाहर मिल, इसका कुत्ता बना दूंगा मार मार के। खैर ठीक है यार, यहाँ पर भी मेरे को उस कैमरामैन को ढूंढना है भाई, मतलब हल्का सा कुछ कपड़े वगैरह का बदले चौड़ दिखा रहा है हमारे ऊपर खाली भी ले गए। बाकी ठीक है, कैमरामैन इनमें से तो मेरे को कोई नहीं दिख रहा, इस तरफ एक बंदा फोटोग्राफ्स ले रहा है इस लड़की की, इसको एक बार चेक करता हूँ, शक्ल से तो नहीं यार ये भी वो बंदा नहीं है। भाई यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि मैंने बताया था ना ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कसम से यार इतने सारे रूम, इतना बड़ा कॉरिडोर, पता नहीं कहाँ पर हमें वो कैमरामैन मिलने वाला है। कितने रूम तो ऐसे हैं जिसके बाहर गार्ड्स लगे हुए हैं, शायद से मैं बिना परमिशन के अंदर भी नहीं जा सकता। खैर यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह का है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बाकी वो बैग, ओ वेट, ये जो बंदा इस रूम से निकल कर आया है यही है वो कैमरामैन। और भाई साहब मुझे वो बंदा मिल चुका है, बट अभी मैं इसको यहाँ पर पकड़ नहीं सकता, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मेरे को ये ऊपर चला गया यार, नीचे बाहर वाहर जाता तो अपना काम इजी हो जाता, बट अभी ये ऊपर जा चुका है, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं ऊपर जा सकता हूँ या फिर नहीं। चुपचाप चल के देखते हैं ऊपर, अगर गार्ड्स वगैरह हुए तो मैं वापस निकल लूँगा। जैसे नहीं यार, ऊपर नॉर्मल ऑफिस बना हुआ है, ऊपर तो और भी ज़्यादा भीड़ है। बट वेट, वो बंदा किधर चला गया, आया तो ऊपर ही था पर मैंने ध्यान नहीं दिया यार डर के मारे। खैर ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अपना ऑफिस में खड़े हुए हैं, इनमें से तो मुझे दूर दूर तक कहीं पर भी वो बंदा नज़र नहीं आ रहा। एक बारी ना इस तरफ मैं चलकर देखता हूँ, यहाँ पर शायद से नहीं आ रहे, तो मस्त एकदम कैफेटेरिया, इधर कुछ भी नहीं है। लेट्स गो यार, यहाँ से बाहर निकलते हैं, वहाँ पर एक बालकनी है, वहाँ पर चलकर देखता हूँ, हो सकता है वो बंदा वहाँ पर गया हो, वरना मेरे सबसे वो राइट साइड में मुड़ा था, इधर ना ऑफिस भी बने हुए हैं। वेट वेट वेट, ये तो सारे खाली पड़े हैं, शिट। तो अभी ना मुझे फटाफट से ऊपर वाले फ्लोर पर चलकर देखना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कैमरामैन फर्स्ट फ्लोर पर आया होगा, मतलब यार आया होता तो दिख जाता, क्योंकि ये वाला फ्लोर प्रॉपरली ओपन फ्लोर है, सब कुछ नजर आ रहा है। लेट्स गो, मैं आ चुका हूँ इस टाइम पर इस बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पे, और एक सेकेंड, यहाँ पर भी एक रूम है जिसके बाहर बॉडी गार्ड खड़ा हुआ है, यानी मैं वहाँ नहीं जा सकता। एक बार ये वाला रूम चेक करता हूँ, अच्छी ये रूम नहीं है, ये तो ऊपर जाने की सीढ़ी है, यहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। इस तरफ में एक ये कैंटीन है और वो बंदा यहाँ पर भी नहीं है। क्या यार, मन कर रहा है वहाँ जाके कॉफ़ी बनाऊँ और पी लूँ आराम से। एक ये बड़ा रूम लग रहा है यार, ये हॉल सा है कुछ तो। वेट, ये तो वही जगह है जहाँ पर से हमें फेक न्यूज़ बना के लानी है और लाइव करनी है। शायद यहाँ पर थोड़ी देर में कोई ना कोई शो स्टार्ट होने वाला है और ये लोग प्रॉपर कैमरा वगैरह लाइट्स वगैरह सेटअप कर रहे हैं। मैं साफ़ सफाई करने नहीं वाला कि काली पीली पता लगा मेरे को पकड़ लें और साफ़ सफाई करवाने लग जाए, मैं इससे पहले चुपचाप निकल लेता हूँ किसी और रूम को चेक करने के लिए। आगे चल कर देखते हैं भाई, ये जो भी हो यार विजन न्यूज़ तो बहुत बढ़िया जगह है, मतलब क्या मस्त रखते हैं ये लोग अपने एम्प्लॉय को, हर जगह कोल्ड ड्रिंक वगैरह की मशीन लगा रखी है। इस रूम के अंदर चल कर देखते हैं, और भाई साहब ये भी एक बहुत ज्यादा मस्त रूम है। बाय द वे गाइस, जिस कैमरामैन की मैं तलाश कर रहा हूँ वो शायद से इस रूम में भी नहीं है, यानी अपना यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं हुआ। लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं किसी और जगह पर उसको ढूंढने के लिए। और एक सेकेंड, ये जो बंदा सामने खड़े होकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है ये शायद से वही है। मैं इसको मार सकता हूँ, बट एक सेकेंड, ये कहीं पर जा रहा है, ये शायद से वापस नीचे जा रहा है। फटाफट से इसका पीछा करते हैं और मौका आते हैं। और एक सेकेंड, ये नीचे नहीं जा रहा है यार, ये वापस से इसी रूम में आ चुका है। मेरे को इसको उसी टाइम मार देना चाहिए था, क्योंकि वापस से यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मैं ट्राई करता हूँ एक बार इसका पीछा करने का। वेट वेट वेट, ये वापस से किसी और रूम में जा रहा है। चुपचाप इसके पीछे पीछे निकल लेता हूँ, मेरे को अभी तक किसी बंदे ने नहीं रोका, यानी किसी को शक नहीं हुआ है। वेट वेट वेट,
ये खाली जगह यहाँ पर मेरे को कोई भी बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा, ये यहाँ पर आ चुका है, ये सही मौका है, मुझे फटाफट से ना यार इसको निपटाना होगा जल्दी से। ओके, तो अभी मैंने अपना सामान नीचे रख लिया है, गन बाहर निकाल लिया है और मैं इस टाइम फुल रेडी हूँ इस बंदे को किडनैप करने के लिए। लेट्स गो। ये बंदा बेचारा देखते ही डर गया हमें, और आखिर डरेगा कैसे नहीं, इसके मत्थे पे अपनी पिस्टल का एम जो बैठा रखा है मैंने। लेट्स गो, और फटाफट इसको प्यार से समझाते हैं, लेकर चलते हैं अपने साथ। गाइस, तो इस टाइम ना इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि मैंने इसको बोला है कि इसकी फैमिली की जान इस टाइम पर बहुत ज्यादा खतरे में है, और अगर ये उनको बचाना चाहता है तो इसको मेरे साथ चुपचाप चलना ही होगा, वरना मैं इसकी भी बैन यहीं के यहीं बजा डालूंगा। और ये बेचारा सच्ची में बहुत ज्यादा डर चुका है, और अरे मेरे भाई, ये अब मेरे से ना बहुत ज्यादा बुरी तरह पिटने वाला। हां, अब मार तेरी ऐसे की तैसी, एक सेकंड इधर आइयो, ले ले भैंस की टांग। अब बोल फालतू, एक मिनट रुकना, जरा गन निकालो इसको। भाई सब कुछ अलग ही चौड़ में आ रहा है बंदा, उठ भाई। मतलब इसको लग रहा है कि एक नकली वगैरह का है, हैं ज्यादा चौड़ा होगा। अब बोल फालतू, चुपचाप चलने हमारे साथ, लेट्स गो। मुड़ 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 मुड़, इसके गात बजानी पड़ेगी, पर मैं मारना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि अपना ही नुकसान हो जाएगा। अभी फटाफट से इसको अपने साथ लेकर चलते हैं। भाई साहब, अब मजे आने वाले हैं, कैमरामैन अब सचमुच में डर चुका भाई, उसकी हालत खराब हो रही है, बेचारा रोते रोते हमारे साथ चल रहा है। डन भाई, इसको एक काम करता हूँ, छत के रास्ते में यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। बाकी ठीक है यार, राइट साइड में एक बॉडी गार्ड खड़ा हुआ है, इसको अगर शक होगा तो मैं गन निकाल के इसको भी ठोक दूंगा। बाकी नहीं, ये अपना अलग ही चुपचाप खड़ा हुआ है, पड़ा ओए, नीचे नहीं, नीचे नहीं, छत पे चलना बेटा, चुपचाप से आ जाओ, लेट्स गो। इसको मैंने पूरा समझा दिया है, अब बस ये देखना होगा कि छत के थ्रू मैं नीचे कैसे आऊंगा। वैसे हाँ, मैंने दूसरी वाली बिल्डिंग से देखा था, छत पर एक हेलीकॉप्टर भी है, उस हेलीकॉप्टर में ही बिठा कर मैं इसे निकल सकता हूँ, बस हेलीकॉप्टर को भी यार बाद में ब्लास्ट करना पड़ेगा। लेट्स गो, हम लोग फाइनली छत पर आ चुके हैं। छत पर एक गार्ड था, मैंने उसे मार दिया था, बट यहाँ पर एक गार्ड हो रहा है। वेट, ये अपना उस बंदे को भागे भागे ना, ये चुपचाप से मैं इसको भी निपटा देता हूँ। वेट, और लोग, लेट्स गो, कोई भी नहीं यहाँ पर। हेलीकॉप्टर, ओ चल 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 चल, फटाफट से चल के हेलीकॉप्टर में बैठ, अपने पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जल्दी से चल के मैं भी हेलीकॉप्टर में बैठता हूँ, और फटाफट से हम लोग निकलते हैं सीधा किसी दूसरी लोकेशन के लिए। अपनी गाड़ी नीचे खड़ी है, बट वो काम अपना बॉडी गार्ड कर देगा। फिलहाल अभी ये हेलीकॉप्टर लेकर मुझे यहाँ से निकलना है, तो अभी ना फटाफट से मैं अपने हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करता हूँ और लेकर चलते हैं इसे फटाफट किसी और बिल्डिंग पर। मतलब मैं यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जाने वाला हूँ, किसी आसपास वाली बढ़िया सी बिल्डिंग पर इसको लैंड करा देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ विजल न्यूज वाले बाद में अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक करें और हमारे तक पहुंच जाएं। हमें इस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट भी करना होगा। बाय द वे, मैंने हेलीकॉप्टर में बैठते ही अपने बॉडीगार्ड को बता दिया था यहाँ पर पहुंचने के लिए। ये जगह मुझे थोड़ी बहुत सही लग रही है, यहाँ पर सेफली मैं इस हेलीकॉप्टर को लैंड करा सकता हूँ। आराम से एकदम नीचे लेकर चलते हैं। भाई हेलीकॉप्टर सच में बहुत ज्यादा मस्त है, इसे ब्लास्ट करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि इसने काफी सही टाइम में अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली थी। बट हाँ यार, इतना तो मेरे को समझ आ गया, प्लेन से थोड़ा बहुत मुश्किल है इस हेलीकॉप्टर को उड़ाना। परफेक्ट, यहाँ पर लैंडिंग करा दिया है। डन भाई, तो अभी फटाफट अपने हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं। अपनी गन भी मैं अपने हाथ से निकाल कर इसके मत्थे पे तान देता हूँ ना, वरना ये बंदा बहुत ज्यादा चला गया। चलो आओ बेटा, फटाफट से चल के गाड़ी में बैठो, चल चल चल, जल्दी जल्दी जल्दी। इसको पीछे वाली सीट पे बैठने के लिए बोल देते हैं, मैं चल के बैठता हूँ गाड़ी के आगे वाली सीट पर। बढ़िया, अभी इस टाइम पर ये बेचारा बहुत ही ज्यादा डर चुका है, शायद से और डराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें इससे प्रॉपर फिल्मिंग भी तो करानी है। पूरी फेक रिकॉर्डिंग आज के आज ही करा कर इसको न्यूज़ पे लाइव करवा देंगे, ताकि कल तक सबको पता चल जाए माइकल मर चुका है। मतलब हमें असलियत में दिखाना ही पड़ेगा, जैसा कि लेस्टर का प्लान है, वरना हमारा बचना यार सच्ची में बहुत ज्यादा मुश्किल है। डन गाइस, तो अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर फाइनली ग्राउंड फ्लोर पर आ चुका हूँ। अब जल्दी से चलते हैं उस लोकेशन पर जहां पर हमें लेस्टर ने मिलने के लिए बुलाया, मतलब वही जगह जहां पर माइकल का फेक डेथ सीन शूट होने वाला है। ये कैमरामैन सब कुछ शूट करके उसे लाइव करेगा और फिर सबको पता चल जाएगा माइकल मर चुका है। ये सोच के मुझे थोड़ा बहुत बुरा तो लग रहा है, बट हाँ यार, इसके अलावा अपने पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मतलब माइकल की फैमिली को जब पता चलेगा और बाकी माइकल के पुराने फ्रेंड्स सबको पता चलेगा माइकल मर चुका है, तो यार वो कितना ज्यादा बुरा माहौल होगा ना। वेल, तो फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा लेस्टर के पास। बाय द वे, ये जो जगह है जहां पर लेस्टर ने हमें मिलने के लिए बुलाया है इस बारी, ये सच्ची में बहुत ज्यादा सुनसान है, क्योंकि यहीं पर होने वाला है माइकल का फेक एनकाउंटर। तो सीधी सी बात है ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो पूरे में गाह देगा कि माइकल सच्ची में नहीं मरा है। ठीक है, फटाफट से अपनी गाड़ी को यहीं से अंदर लेकर चलते हैं, क्योंकि यही है वो लोकेशन। तो चलो, अब देखना ये होगा कि आखिरकार लेस्टर ने क्या प्लान बनाया है माइकल के फेक एनकाउंटर का, क्योंकि मैं इस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो बैठा लेस्टर आराम से कोने में अपना छुपके, अपनी गाड़ी को आराम से मैं यहाँ पे लाकर पार्क करता हूँ, और अब जल्दी से चलते हैं हम लोग उससे मिलने के लिए।
और फिर देखते हैं आखिरकार क्या सीन है। ये कैमरामैन भी बाहर आ चुका है। ना 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 भैया, अभी इतनी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब सारा काम लेस्टर करने वाला है। तो चलो गाइस, अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर कह रहा है कि इस टाइम पर प्लान में कुछ चेंजेस हैं। मतलब इसने इस मास्टरमाइंड प्लान को सुपर मास्टरमाइंड प्लान में कन्वर्ट कर दिया है। ये एक तीर से दो निशाने लगाने की प्लानिंग में है। आप लोग को याद होगा, कुछ टाइम पहले हम लोगों ने अपने पुराने दुश्मन अंडरवाटर माफिया को उसके जिम में घुस के उसकी पिटाई करी और लाकर लेस्टर के हवाले कर दिया था, क्योंकि एट द एंड वो हमें मारना चाहता था। उसने हमारे घर पे अटैक करा, हमारी गाड़ियां चुराई और बहुत नुकसान करा था। बट अभी वो अपने कब्जे में है, पर फिर भी लेस्टर ने उससे दोस्ती कर ली क्योंकि हमें माइकल का फेक एनकाउंटर भी तो करवाना है। लेस्टर ने उसे ले जाकर खूब सारे वेपन्स दे दिए और उसको एक टाइम बता दिया कि आज दोपहर को माइकल यहाँ से जाने वाला है, तो तुम जाकर माइकल को मार सकते हो और अपनी दुश्मनी पूरी कर सकते हो। यानी दोपहर को अंडरवाटर माफिया यहाँ पर आने वाला है हमें मारने के लिए, बट वो जिस बंदे को मारेगा वो हम नहीं होंगे। गाड़ी हमारी होगी, गाड़ी चल भी रही होगी, पर गाड़ी के अंदर बैठा होगा ये बंदा। इस बंदे को लेस्टर पकड़ कर लाया है और ये चीज उसे नहीं पता चलने वाली क्योंकि गाड़ी के सारे शीशे ब्लैक हैं, गाड़ियों से गोलियां अंदर जाएगी, सारे शीशे नहीं टूटेंगे। उसको लगेगा उसने हमें मार दिया है और वो हमें मार के भाग जाएगा क्योंकि तुरंत यहाँ पर एक फेक पुलिस सायरन बजने वाला है। तो अभी हमें कुछ करना नहीं है, जैसे ये बंदा मर जाएगा हमें जाकर इसकी जगह लेनी है। इसको गाड़ी से निकालकर साइड में फेंकेंगे और मैं गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाऊंगा। बट जाने से पहले मुझे इसे एक फेक मेकअप करवाना होगा ताकि लगना चाहिए गोलियां मेरे पड़ी है। तो वो सब तो ईजिली हो जाएगा, बस मैं जैसे गाड़ी में बैठूंगा उसके बाद एक कैमरामैन वहां पर आएगा और बस मुझे कुछ इस तरीके से मरने की फेक एक्टिंग करनी है और ये सारी चीज रिकॉर्ड हो जाएगी और लगे हाथ ये सब कुछ लाइव लगा देगा वो विजन न्यूज़ पे, और जिससे पूरे शहर को पता चल जाएगा कि माइकल अब नहीं रहा। ये चीज तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर इसमें दो तीन रिस्क थे। मतलब बाद में पुलिस पूछेगी कि माइकल की फेक बॉडी कहां गई, तो लेस्टर भाई साहब जी ने उसका भी जुगाड़ कर रखा है। हम बॉडी पुलिस तक जाने नहीं देंगे, लेस्टर तुरंत ये कॉफिन लेकर आएगा, अपनी बॉडी उसमें डालेंगे और हम लोग चले जाएंगे सीधा फ्यूनरल के लिए। बॉडी भी अपनी नीसी की जाने वाली है, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम अपना आराम से किसी गाड़ी में एंजॉय करेंगे। ये चीज बहुत ज्यादा फन है, फटाफट से चल के मेकअप करवाते हैं क्योंकि अगले एक घंटे में अंडरवाटर माफिया भैया गन्स लेकर यहाँ पर पहुंचने वाला है। डन गाइस, तो अभी अपना मस्त मेकअप कंप्लीट हो चुका है और लिटरली देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे हाँ हमारे साथ कोई बुरा ही हादसा हुआ हो। वैसे हाँ, अभी लेस्टर एंड ये जो बंदा है ये लोग जाने वाले हैं उस लोकेशन पर जहां पर अंडरवाटर माफिया आकर इस गाड़ी पे बहुत खतरनाक तरीके से गोलियां चलाने वाला है। टेंशन मत लो, लेस्टर नहीं है गाड़ी, मतलब लेस्टर है गाड़ी में पर वो वहीं पर उतर जाएगा। और अभी फटाफट से मैं भी चलता हूँ कैमरामैन के साथ उस जगह पे। और वेट यार, क्या ही खतरनाक लुक हो चुकी है यार इस टाइम पर माइकल की। यार सच्ची में इस टाइम ना बहुत ज्यादा अलग फील आ रही है, पता नहीं हम लोग ये कैसा सही काम करने जा रहे हैं। खैर ठीक है, मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ और एक सेकेंड ये देखो लेस्टर अपना यहाँ पर आकर लेट के छुप चुका है और ये वाली जो गाड़ी है ये इस टाइम पर जाने वाली है सीधा सामने की तरफ में, क्योंकि अंडरवाटर माफिया आएगा इधर से, ये वाली गाड़ी आएगी इधर से। भाई मैं कोई देरी नहीं करने वाला, फटाफट से मैं भी यहीं कहीं पर आराम से छुप जाता हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से ये वाली जगह ज्यादा बढ़िया है, मैं अपना यहाँ पर लेट जाता हूँ जल्दी से। ऑल डन गाइस, तो अभी फटाफट से हम तीनों लोग यहाँ पर आकर लेट चुके हैं। बाकी अपना कैमरामैन नहीं लेटा है, वो आराम से बैठकर इस पूरे के पूरे सीन की रिकॉर्डिंग जो करने वाला है। बाकी हाँ, अपना जो ड्राइवर है वो उस कोने में जाकर खड़ा हो गया और टाइम का इंतजार कर रहा है। वैसे टाइम हो ही चुका है, शायद से थोड़ी देर में अंडरवाटर माफिया यहाँ पर आएगा और बहुत ज्यादा कलेश यहाँ पर होने वाला है। अभी तक तो कोई भी गाड़ी नहीं आई। वेट, ये व्हाइट कलर की रेंज रोवर आई है और शायद से यही है उसकी गाड़ी। बहुत ज्यादा बुरी तरह टक्कर हो चुकी है और नॉर्मल लोगों की भी गाड़ियां यहाँ पर जा रही है। एक सेकेंड भाई साहब, कितनी ज्यादा खतरनाक गंदी थी यार इसको। वेट, पूरी तबाही मच चुकी है इस टाइम पर गाड़ी में। और वेट, इसकी क्या खतरनाक टक्कर पड़ गई है और इस टाइम पर इसको भागना ही होगा। पूरा सीन यहाँ पर एकदम मस्त रिकॉर्ड हो चुका है और अंडरवाटर माफिया फुल स्पीड में यहाँ से उस बंदे को मार के भाग चुका है। लेट्स गो, पुलिस का भी सायरन बज गया है और बेचारा यहाँ से निकल चुका है मस्त। अभी अपने कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपना काम हो चुका है। नॉर्मल लोग बेचारे डर गए हैं बहुत ज्यादा बुरी तरह। लेट्स गो गाइस, तो अभी अपना मस्त काम हो चुका है। फटाफट से ना मैं चल के अपनी जगह बदल लेता हूँ, भाग के चलते हैं। कोई गाड़ी वाड़ी इस टाइम पर रोड पे नहीं आ रही है, इसको बाहर निकालते हैं, इसकी जगह पर मैं आने वाला हूँ। भाई क्या बुरी तरह इसकी गोलियां पड़ी है, मैं बैठ जाता हूँ, इसकी बॉडी ठिकाने लगा लेगा, फिर हम लोग दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। अब भाई साहब गाड़ी लेकर जाओ। अबे यार ये अलग ही आगे गाड़ी रुको, देख ना ले कहीं माइकल को। खैर ठीक है, इसको सेटअप करो भाई। तो चलो यार अभी ना फटाफट से एकदम मस्त मरने का एक्टिंग करते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी तरह हालत हो चुकी है। लेट्स गो, ये मैं गिर चुका हूँ गाड़ी के हॉर्न पे। ये कैमरामैन मेरे को बाहर निकालने आगे गाड़ी से। अरे भाई भाई आराम से यार,
मतलब एक्टिंग करनी है इसका मतलब ये नहीं, थोड़ी बदतमीजी करेगा, पर कोई नहीं यार, पुराना बदला निकाल रहा भाई थोड़ा सा। और इसने भी यहाँ पर पूरी मेरी वीडियो बना ली है, गाड़ी वगैरह के भी इसने वीडियो बनाना स्टार्ट कर देगी किस तरीके से हमारे ऊपर मस्त अटैक हुआ है, और अभी वो मुझे मार कर जा चुका है। तो अभी लेस्टर भी यहाँ पर आकर अपनी बहुत खतरनाक एक्टिंग करने वाला है, क्योंकि हम लोग उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे, तो लोगों को पता चलना चाहिए ना कि यार कितना ज़्यादा दुख हुआ है माइकल के जाने के बाद। और ये अपने वीडियोग्राफर भाई पूरी मस्त सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं मस्त एंगल से, लेट्स गो। पूरा लेस्टर आकर भाई खतरनाक एक्टिंग कर रहा है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्लिप सारी रिकॉर्ड हो चुकी है, और अभी हमें अपनी एक्टिंग खत्म करनी चाहिए। नहीं, थोड़ी बहुत और रिकॉर्डिंग हो जाने देते। अरे 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 भाई साहब, बस भाई बस, लेस्टर बहुत एक्टिंग हो गई। ठीक है भाई, बस करते हैं, कुछ ज्यादा एक्टिंग हो रही है अभी। डन गाइस, तो भी फटाफट से मुझे उठना चाहिए। बाकी यार ये दोनों लोग तो लग चुके हैं अपना मोबाइल पे इस क्लिप को पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे वायरल करने में, और उसके बाद लेस्टर और ये और अपना बॉडी गार्ड तीनों लोग जाने वाले हैं सीधा विजन न्यूज, मतलब रात में ये लोग जाएंगे और इस क्लिप को चुपचाप से पूरे न्यूज चैनल्स पे चला देंगे, ताकि हर एक बंदे को पता चल जाए कि माइकल जो सबसे बड़ा गैंगस्टर था अब वो मर चुका है, अब कोई खतरा नहीं है। बाकी यहाँ ये एक तरीके से अच्छी बात भी है कि हम लोग अब पुलिस से सेफ हैं, बट एक तरीके से थोड़ी सी बुरी बात भी है कि अब माइकल अपने रियल फेस को लेकर कभी भी इधर उधर नहीं जा पाएगा। या तो मुझे थोड़ी बहुत लुक चेंज करनी पड़ेगी, या फिर हमेशा छुप के रहना पड़ेगा, या फिर हमेशा अपना फेस कवर करके ही बाहर निकलना पड़ेगा। खैर ठीक है, इस सीन के बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेंगे, ये ज़्यादा बड़ी अच्छी बात है। बाकी अब देखना ये होगा कि लेस्टर हमारी बॉडी का फ्यूनरल कैसे करने वाला है। मेरे को तो इसने पलीटो जाने के लिए बोल दिया, ये कह रहा है जब तक सारा मामला शांत नहीं हो जाएगा तब तक वापस मत आना, क्योंकि सीधी सी बात है अगर अभी भी किसी बंदे ने हमें देख लिया तो ये सारी न्यूज़ फिर फेक न्यूज़ बन जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल नहीं दिखानी। माइकल की डेथ हमारे लिए फेक है, पर दुनिया के लिए रियल होनी चाहिए। बाकी हाँ ठीक है, ये एकदम सुनसान रास्ता है, लेस्टर ने बोला है चुपचाप इस रास्ते के थ्रू पलीटो के लिए निकल लो, और जब वो कॉल करेगा तभी हमें यहाँ पर वापस आना है। उसके अलावा अगर आएंगे तो फिर हम अपने रिस्क पे हैं, ये सारा काम खराब हो सकता है, तो इसलिए मैं चुपचाप जा रहा हूँ पलेटों के लिए। बाकी गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक करना, इस वीडियो पर एम करते हैं 1.5 मिलियन लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो, और जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स में जाके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।